नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। लोकसभा चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र में ही भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के बीच एक जबरदस्त टकराव देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से संसद में अपनी बात रखी और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, उससे साफ समझ में आ गया कि देश की राजनीति अब किस तरफ जा रही है। चर्चा होने लगी है कि यह सरकार कुछ दिनों की मेहमान है और अपने ही बोझ से गिर जाएगी। अब ये गिरेगी कि नहीं गिरेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इसको लेकर के चर्चाएं हो रही हैं और लगातार देश के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं राजनीति में, उसको लेकर के समीक्षा की जा रही है। डीवी लाइव पर देश की वर्तमान परिस्थितियों को लेकर के गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। आइए देखते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश सभार। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। आपका कमेंट हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंश सभार। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष यानी LOP लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने आज संसद में जबरदस्त भाषण दिया। जी हां, जबरदस्त भाषण दिया। और इस दौरान सदन में दो ऐसे ऐलान कर दिए, दो ऐसे घोषणाएं कर दी राहुल गांधी ने, जिससे BJP का पूरा गेम प्लान पलट सकता है। क्या है वो ऐलान, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज राहुल गांधी ने जब बजट पर अपना वक्तव्य देना शुरू किया तो शुरुआत से ही राहुल गांधी केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे थे। इस दौरान उन्होंने महाभारत काल के चक्रव्यूह का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था, उनके नाम कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी थे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि आज भी चक्रव्यूह में 6 लोग हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अदानी और अंबानी, और ये 6 के 6 कंट्रोल कर रहे हैं। ये तस्वीर दिखाइए, जरा तस्वीर ले आइए। और वो 6 की तस्वीर लेकर राहुल गांधी आए थे। हालांकि वहां आसंदी पर मौजूद ओम बिरला साहब ने इस तस्वीर को दिखाने से मना कर दिया। बार बार राहुल गांधी कोशिश कर रहे थे कि वो तस्वीर दिखाएं, लेकिन वो नहीं दिखा पाए 6 लोगों की तस्वीर, जिसमें एक चक्रव्यूह बनाते हुए और उसमें आगे राहुल गांधी दिखाते हैं। खैर, आते हैं हम उन अहम घोषणाओं पर जिसका जिक्र राहुल गांधी करके आज तहलका राहुल गांधी ने मचा दिया है, जिससे BJP का पूरा गेम प्लान। ये देखिए, 21वीं सदी का चक्रव्यूह, इसमें 6 लोगों, अजीत डोभाल भी हैं, अदानी भी हैं, अंबानी भी हैं, मोहन भागवत, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये चक्रव्यूह, यही दिखा रहे थे राहुल गांधी। खैर, लेकिन इसके अलावा जब आखिर में राहुल गांधी आते हैं अपने भाषण में, तो वो साफ ऐलान कर देते हैं 2 घोषणाओं का और कहते हैं कि इसी सदन में इंडिया गठबंधन ये दोनों अपनी घोषणाएं, दोनों ऐलान पूरा करेगा। पहली बात वो कहते हैं MSP की गारंटी की, किसानों के फसल को MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस और उसकी लीगल गारंटी, इसकी घोषणा राहुल गांधी करते हैं। आइए जरा MSP की लीगल गारंटी की घोषणा करते हुए राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं इसी सदन में, सुन लीजिए जरा। जो अन्नदाता है वो चक्रव्यूह से निकलने के लिए, आपके चक्रव्यूह से निकलने के लिए जो आपने बनाया 3 काले कानून, जमीन अधिकरण बिल को आपने कमजोर किया, उनको आप सही दाम नहीं देते हो, इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए उन्होंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है। 2 चीजें नहीं मांगी है, सिर्फ एक चीज मांगी है। उन्होंने कहा है कि हमें लीगल गारंटीड MSP दे। आपने उनको बॉर्डर पे बंद कर दिया, रोक दिया, आज तक रोड बंद है, आप उनसे बात करने को तैयार नहीं है। वो यहां आए, मुझसे मिलने आए, आप उनको अंदर नहीं आने दे रहे। और इसके बाद दूसरी घोषणा करते हैं राहुल गांधी जाति आधारित जनगणना की। जी हां, जाति आधारित जनगणना। अभी आप याद करिए कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले थे, तो उस समय OBC की बात राहुल गांधी और जाति आधारित जनगणना की बात खूब करते थे और लगातार इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। इसकी घोषणा भी आज राहुल गांधी ने अपने इस भाषण में कर दी इसी सदन के अंदर। सुनिए जरा जाति आधारित जनगणना के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। कहना है सर, ये जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है, और हम इस चक्रव्यूह को
तोड़ने जा रहे हैं, और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। और जैसे मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल एमएसपी इस सदन में पास करेगी, वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। तो आप जानते हैं दोस्तों कि ये दोनों बातें कांग्रेस के घोषणा पत्र में थीं, लेकिन राहुल गांधी ने सदन के भीतर इनका ऐलान करके बता दिया कि ये बातें महज चुनावी नहीं हैं, बल्कि राहुल इनके जरिए न्याय की एक नई नींव देश में रखने की तैयारी में हैं। आपको बता दूं कि राहुल गांधी बजट पर अपने विचार रख रहे थे, लेकिन बजट के बहाने उन्होंने बीजेपी की सारी राजनीति की पोल खोलकर रख दी। महाभारत के चक्रव्यूह का प्रसंग उठाते हुए राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत की, जिसके बारे में शुरुआत में मैं कह चुका हूं, और जैसे जैसे राहुल गांधी अपनी बात आगे बढ़ाते गए, वैसे वैसे बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। वैसे तो राहुल गांधी ने जब से राजनीति में कदम रखा है, तब से बीजेपी को उनसे मिलने वाली चुनौती का अंदाज था, इसीलिए शायद शुरू से राहुल गांधी की छवि खराब करने में बीजेपी जुट गई थी। लेकिन आज राहुल गांधी ने जिस अंदाज में सदन में भाषण दिया, जिस अंदाज में वो सदन में दिखे, उसके बाद बीजेपी खुद को और ज्यादा मजबूर महसूस कर रही होगी। राहुल गांधी ने आज अदानी और अंबानी का नाम लेकर एक अलग तरह से बीजेपी को घेरा, फिर पेपर लीक, किसानों की एमएसपी, लीगल एमएसपी की बात, लीगल गारंटी की बात कह लें, जाति आधारित जनगणना, इन सब की बात राहुल गांधी ने कही। मिडिल क्लास पर राहुल गांधी ने कहा कि इनसे मोदी के कहने पर, मिडिल क्लास ने मोदी जी के कहने पर थाली बजाई कोरोना के समय, और उसी के साथ बजट में धोखा हुआ है। राहुल गांधी ने आज हिंदू धर्म का पाठ भी बीजेपी को नए सिरे से पढ़ाया है। राहुल ने भाषण के दौरान बीजेपी की तरफ से हंगामा तो होता रहा जब वो भाषण दे रहे थे, लेकिन फिर भी राहुल को रोक पाना किसी के बस में नहीं था, और राहुल जब अपना भाषण दे रहे थे तो हिंदू धर्म की बात करते करते, चक्रव्यूह की बात करते करते शिव की बारात तक आ गए राहुल गांधी। भगवान शिव और उनकी बारात और चक्रव्यूह कैसे आज के इनके भाषण में प्रासंगिक हो गया, आइए जरा इस बात को भी सुन लेते हैं। हिंदुस्तान का नेचर अलग है। हिंदुस्तान के नेचर के बारे में अब मैं आपको बताना चाहता हूं। हर धर्म में चक्रव्यूह के खिलाफ फॉर्मेशन होता है, हर धर्म में। माननीय सदस्य, आप जानते हो हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है, जानते हो आप चेयर को एड्रेस? मैं बताता हूं सर, शिव की बारात होती है सर। शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बारात में आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। सर, गुरु नानक जी, सिखों की बात करी जाए तो सेवा करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है, लंगर से किसी को बाहर नहीं फेंका जा सकता है। सर, इस्लाम में कोई भी मस्जिद में आ सकता है, चर्च में कोई भी घुस सकता है, समुदाय में कोई भी आ सकता है सर, मगर इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं, मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम है। इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आती है। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता है। आप अपने इतिहास को देखिए, आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो। तो
साफ साफ यहां राहुल गांधी ने अपनी बात रख दी और कह दिया कि आप खुद को हिंदू कहते हो लेकिन हिंदू धर्म को समझने वाले लोग आप हो ही नहीं। राहुल ने जब अदानी और अंबानी का नाम लिया तो ओम बिरला ने इस पर आपत्ति जताई, तो राहुल ने उन्हें A1 और A2 कहा, जो इस सरकार पर जबरदस्त तंज है। आइए जरा सुन ले, A1 A2, और वो पहले तो कह रहे थे 2 और 3 और 4, लेकिन फिर A1 A2 पे आ गए। लेकिन राहुल ने अपनी बात जरूर रख दी, जो कहना चाहते थे वो कह गए यहां पर राहुल गांधी। सुनिए जरा। स्पीकर सर, मैं समझता हूं मंत्री जी को अदानी जी और A1 एंड A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूं। नो प्रॉब्लम। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सर ही इज परमिटेड टू डिफेंड देम सर, इट इज अ डेमोक्रेसी सर, ही कैन डिफेंड देम। तो A1 और A2 यहां साफ साफ और कैसे अपनी बात रख रहे हैं राहुल गांधी, ये आपने सुन लिया। राहुल गांधी ने इसके बाद आज संसद में पत्रकारों को एक कमरे में बंद करने का मुद्दा भी उठाया और बाद में उनसे मिलने भी गए। पत्रकारों का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, उस विजुअल को भी देखेंगे, उस वीडियो को भी देखेंगे, लेकिन बाद में उनसे मिलने गए राहुल गांधी, ये देख लीजिए। क्यों से मिलते हुए राहुल गांधी, ये देखिए, और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल पिंजड़े की तरह है। और इस बारे में मुझे जहां तक ध्यान आता है कि हमारे साथी शकील अख्तर जी बहुत पहले लिख चुके थे अपने ट्विटर हैंडल पर, आज हमारे साथ वो रहेंगे और उनसे भी हम समझेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी जब सदन के अंदर थे और इसी मसले को उठा रहे थे तो क्या कुछ चल रहा था, क्या कुछ उन्होंने कहा मीडिया के बारे में, वो भी समझेंगे। लेकिन बाद में यहां से निकलते वक्त राहुल गांधी, इसको पहले सुन लेते हैं, यहां कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, सुनिए। नॉर्मली हम लोग पिंजरे में होते हैं, अब आपको कर दिया पिंजरे में। तो देखा आपने, सुना आपने, राहुल गांधी मिलने गए मीडिया के लोगों से। आज जब राहुल जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे तो निर्मला सीतारमण हंस रही थी, जिस पर राहुल गांधी ने अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई और बाद में उन्होंने ट्वीट किया है। ये उस ट्वीट को अगर ले आ सकते हैं स्क्रीन पर तो ले आइए, और बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट है, और लिख रहे हैं कि आज संसद में जब मैंने जाति आधारित यानी जातिगत जनगणना की बात उठाई तो वित्त मंत्री ने हंसकर इस गंभीर विषय का उपहास किया। देश की 90% आबादी के जीवन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर ऐसी उपेक्षापूर्ण प्रतिक्रिया ने भाजपा की मंशा, मानसिकता और नीयत से पर्दा हटा दिया है। मैं भाजपा को बता देना चाहता हूं कि हम हर कीमत पर जातिगत जनगणना को हकीकत बनाकर वंचितों को न्याय दिलाएंगे। इंडिया देश का एक्सरे सामने लाकर रहेगा, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। इसमें दो तस्वीरें, एक हाथ में लिए हुए राहुल गांधी जो हलवा खिलाते हुए खाते हुए हलवा पार्टी करते हुए कह सकते हैं निर्मला सीतारमण, राहुल गांधी इसी तस्वीर को दिखाना चाह रहे थे, और दूसरी तस्वीर में निर्मला सीतारमण इस पे सिर नीचे झुका रही हैं और मुस्कुरा रही हैं, इसी को ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। और राहुल ने निर्मला पर इसी दौरान सीधा प्रहार भी किया और कहा कि हलवा पार्टी में एक भी ओबीसी दलित आदिवासी को नहीं लिया और फोटो में तो उन्हें बिल्कुल ही नहीं रखा। आइए जरा उस बाइट को सुन लेते हैं, हलवा पार्टी वाली बाइट में राहुल गांधी कह क्या रहे हैं, सुनिए। बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर, ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर, 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा, 20 अफसरों ने
हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है, मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ दो हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी, और इस फोटो में एक भी नहीं है, मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। तो आप जानते हैं दोस्तों कि बजट जब तैयार किया जाता है और आखिरी जब फाइनल स्टेज पे आता है तो एक ये पुराना एक प्रचलन है जिसमें हलवा पार्टी होती है, और उस पार्टी का जिक्र करते हुए हलवा का उस तस्वीर को दिखाते हुए, और ये एक परंपरा चली आ रही है और उसी परंपरा का निर्वहन यहाँ निर्मला सीतारमण ने किया था। लेकिन जो बात यहाँ राहुल गांधी कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उसमें कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। 20 लोगों का जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन उस 20 में एक भी ओबीसी, एक भी दलित, एक भी आदिवासी नहीं है। और कह रहे हैं राहुल गांधी कि आप चाहेंगे तो मैं 20 लोगों के का नाम यानी लिस्ट में आपके सामने रख दूंगा। हलवा देश का बांट रहे हैं और आप देख रहे हैं कि सिर झुकाकर मुस्कुरा रही हैं निर्मला सीतारमण। तो राहुल का आज का जो भाषण है उसने देश को बिल्कुल झकझोर कर रख दिया है और देश बरसों तक याद रखेगा इस भाषण को, और बीजेपी को तो आज के इस झटके से उबरने में शायद काफी वक्त लग जाए। संसद के विशेष सत्र में भी राहुल गांधी के भाषण का जवाब देने की कोशिश में नरेंद्र मोदी ने उन्हें बालक बुद्धि कहा था। हो सकता है कि अब मोदी किसी और तरह से राहुल गांधी पर हमला करें, लेकिन इन हमलों से क्या उन सवालों को बीजेपी खत्म कर पाएगी जो राहुल गांधी ने आज उठाए हैं? क्या राहुल गांधी से घबराई बीजेपी अपना बचाव कर पाएगी? क्या राहुल गांधी के ऐलानों से हिल जाएगी एनडीए की नींव? आज इन्हीं बातों के और इन्हीं सवालों की चर्चा करेंगे, पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और सीधे उनके बीच चलते हैं। हमारे साथ देखिए इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं हमारे साथ, प्रशांत टंडन जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं और डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत है इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे शकील जी आपके पास आना चाहता हूं। हलवा पार्टी से लेकर पिंजड़े में बंद पत्रकारों तक की कहानी आपकी जुबानी, शकील जी। देखिए अभी जब संसद 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ था और राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ और उस पर राहुल गांधी का जो भाषण हुआ था उसकी जो धमक थी वो अभी तक कायम थी, और आज राहुल ने फिर एक ऐसी धुआंधार पारी खेल दी कि जब तक ये सत्र चलेगा, बजट सत्र, सत्ता पक्ष जो है इसकी चोटों को महसूस करता रहेगा। राहुल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक किसी को नहीं छोड़ा। आज उनका भाषण इतना जबरदस्त था कि जो स्पीकर साहब थे वो विपक्ष को ही ये बताने लगे कि आप ही लोग राहुल गांधी के भाषण में अवधान पैदा कर रहे हो। वो खुद इतने डिस्टर्ब हो गए, इतने हिल गए वो, कि डिस्टर्ब कर रहा था सत्ता पक्ष ट्रेजरी बेंच है, और ओम बिरला जी कहने लगे कि केसी वेणुगोपाल जी आप शांत हो जाइए, आप डिस्टर्ब कर रहे हो। तो आज जो है उन्होंने ग्राउंड के चारों तरफ जहां उन्होंने चाहा वहां उन्होंने शॉट खेले। कुरुक्षेत्र के बारे में, चक्रव्यूह के बारे में बहुत लिखा गया, बोला गया, पढ़ा गया जब से, लेकिन आज राहुल ने जो उसकी व्याख्या की है वो सबसे अलग व्याख्या कर दी उन्होंने कि चक्रव्यूह में घेर के आप अभिमन्यु को मार सकते हैं, लेकिन भारत का किसान, भारत का मजदूर, गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ये अर्जुन है, आप इसको नहीं मार सकते घेर के, ये उल्टा आपके चक्रव्यूह को नष्ट कर देगा। राहुल ने ये जो व्याख्या की और जो आपने नाम बताई दिए कि पहले जो चक्रव्यूह बनाया गया था उसमें कौन कौन थे,
शकुनी वगैरह और ज्यादा नाम नहीं लेते। और आज के चक्रव्यूह में आपने फोटो दिखा दिया कि आज के चक्रव्यूह में 6 लोग कौन है और ये घेर किसको रहे हैं, ये देश की जनता को घेर रहे हैं, ये देश की जनता के खिलाफ चक्रव्यूह है। और उन्होंने इसकी एक नई व्याख्या की कि चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहते हैं जी, लोटस। तो राहुल ने आज अपने भाषण से बीजेपी को और खासतौर से सरकार को एक बड़ी तगड़ी चोट दे दी है। जहां तक मीडिया का सवाल है, और आपने कहा कि हम लिख रहे थे, तो हमने 1.25 महीने पहले जब ये मीडिया स्टैंड बन रहा था आधा अधूरा, तब भी इसकी तस्वीर डाली थी और बताया था कि पुरानी संसद और उसके बाहर मीडिया के कई स्टैंड हुआ करते थे, मीडिया के संसद के अंदर कमरे हुआ करते थे, प्रेस रूम हुआ करता था, अलग कैंटीन हुआ करती थी, और जो ऑफिशियल मीडिया कहलाता है, दो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजेंसियां हैं पीटीआई और यूएनआई, उनका कमरा हुआ करता था जी। उसमें से यूएनआई थोड़ी कमजोर हो गई है, तो उस यूएनआई के कमरे में आधा हिस्सा एक दूसरी एजेंसी ने जबरदस्ती कब्जा भी कर लिया था। ये एक आश्चर्यजनक बात हुई थी, सरकार किसी और को कमरा दे नहीं सकती है, 3 लोगों को दे रखा था उसने, 3 संस्थानों को, पीटीआई, यूएनआई और ऑल इंडिया रेडियो। नई संसद में उनके पास किसी के पास कोई कमरा नहीं है, यहां आते हैं प्रेस गैलरी में बैठते हैं और इतनी दूर जाके वहां से अपनी स्टोरी फाइल करते हैं। तो आज राहुल गांधी ने जो अपना भाषण जब वो खत्म कर रहे थे, उससे पहले उन्होंने कहा कि पत्रकारों को पिंजरे से आजाद करो, बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। हिंदुस्तान का मीडिया आज पिंजरे में कैद हो गया है। संसद जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा एक प्रतीक है, जिसको हम मंदिर कहते हैं, उसके अंदर आपने वो दिखाई रहे हैं आप बार बार, और हम तो उसको रोज देखते हैं। वो बाइट भी सुन लेते हैं, राहुल गांधी जब कह रहे थे तो नौ ना बेचारे तक राहुल गांधी आ गए। राहुल गांधी की आप कहें तो अब वाक चतुरता चातुर्य जो है वो कितना यहां ज्यादा देखने को मिल रहा है, वो जरा देख लेते हैं, सुन लेते हैं जरा। जब मीडिया पर अपनी बात रख रहे थे राहुल गांधी, तो सुन लीजिए क्या कुछ हो रहा है। हस्तक्षेप होता है यहां ओम बिड़ला की तरफ से, उसके बाद राहुल गांधी नॉन बेचारे ले आते हैं, सुनिए जरा। सर आपने एक और चक्रव्यूह बना दिया सर, मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए। सर बेचारे मीडिया वाले सर बेचारे नहीं है, वे बिचारे शब्द बोलो उनके। सर नॉन बिचारे मीडिया वाले सर। नो बिचारे नहीं, नॉन बिचारे सर, नॉट बिचारे मीडिया वाले सर। सर नॉट बिचारे। एक मिनट, आप मैं बैठा हूँ ना, वह आप आसन पे बात कर रहे हो, आसन को बात करने दो। नहीं नो नो, मैं बताऊँ सर, नॉट बिचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें, क्योंकि वो बड़े डिस्टर्बेंस है। एक मिनट प्लीज। जी शकील जी, जी राहुल जो है, हमने बताया है कि आज राहुल जो है फ्रंट फुट पे इस तरह खेल रहे थे और इस तरह से अटैक कर रहे थे। और जाहिर है मीडिया का सवाल बहुत बड़ा सवाल है, और मीडिया जिस हालत में आ गया है, वो भी हमने दिन भर लिखा, लोगों से बात करी और बताया कि ये फुट सोल्जर है बेचारे, रिपोर्टर है इसमें, कैमरामैन है, फोटोग्राफर है, ये अब सब डर के शिकार हैं, नौकरी के डर के, ऑफिस के डर के, संपादक के डर के, मालिक के डर के। तो राहुल ने जो इनकी बात उठाई है, ये एक बहुत बड़ा काम किया। और उसके बाद का डेवलपमेंट भी हम आपको बता देते हैं कि जब राहुल आए उसके बाद मीडिया स्टैंड में आए, वो मिलके गए और वो आपने दिखाई है, उन्होंने कहा कि पिछले में तो हमको बंद किया जाता था, अब आपको भी कर दिया जी। तो उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने ओम बिरला ने एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा उसमें कि अब ये जो है कल से वही पुरानी व्यवस्था लागू कर दी जाएगी और पत्रकारों को रोका नहीं जाएगा। मगर वो व्यवस्था भी जो है वो बड़ी लिमिटेड व्यवस्था है कि आज जो हुआ वो हुआ क्या था कि जो मकर द्वार है, पुरानी जो बिल्डिंग है जहां का मुख्य गेट है, उसके सामने मकर द्वार है जी, जहां से सांसद और मंत्री अंदर जाते हैं, तो वहां पत्रकार खड़े रहते थे, सलाम दुआ कर लेते थे नेताओं से, मंत्रियों से और सांसदों से, तो कुछ उन्हें इंफॉर्मेशन मिल जाती थी। उनका तो काम ही यह है इंफॉर्मेशन का, उन्हें तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए, और एक आध कैमरामैन जो है शूट कर लेते थे। तो उनको वहां से हटा के कहा कि आपके लिए स्टैंड बना दिया गया है, आप इसमें बैठिए। वो आपने देख ही लिया, पिजरे ही है वो तो बाकायदा।
और वो आज बात हुई थी, हमने भी हमसे भी बात हुई, हमने कहा कि देखिए बहुत दिनों से आपको ये बात बता रहे हैं, आपने कहा कि जब से नई संसद बनी है एक साल से बहुत लिखा है हमने इसके ऊपर, देशबंधु में कई लेख हैं हमारे, तो ये प्रेस को सप्रेस करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब कर रहा है। आज राहुल ने बोल दिया संसद के अंदर, पूरी दुनिया में चला गया कि भारत का मीडिया पिजरे में कैद है। उसके बाद आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, जर्नलिस्ट दिल्ली जर्नलिस्ट यूनियन, इन सब ने प्रस्ताव पास किया और कहा, घोर निंदा की इसकी, शर्मनाक बताया, लोकसभा अध्यक्ष को उसके बाद फिर मीटिंग करना पड़ी। ये सब चीजें पहले से करी जाना चाहिए थी। मीडिया का सवाल आज बहुत बड़ा सवाल बन गया है और मीडिया को जो पहले की तरह जो है वो फ्री आने जाने का परमिशन मिलना चाहिए, पार्लियामेंट में होता था। जो पुरानी पार्लियामेंट है उसके कॉरिडोर में प्रधानमंत्री मिलते थे, आते थे, जाते थे और हम लोग उनसे बात करते थे, सलाम दुआ तो होती थी, सवाल भी कर लेते थे। और प्रधानमंत्री कौन से, मनमोहन सिंह से लेके वाजपेयी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी तक, देवगोड़ा, गुजरात वगैरह सब थे उसमें शामिल, चंद्रशेखर सब शामिल थे उसमें। अब क्या है कि पिछले 10 साल से जब मोदी जी निकलते हैं वहां से, तो जो कॉरिडोर है, जो गलियारा है, वो खाली करवा लिया जाता है, हम लोगों को भी वहां से हटा दिया जाता है जी। पहले कभी ऐसा नहीं होता था, हम लोग अपने घूमते हुए यहां से वहां सब लोग जाते थे, हम क्या स्टाफ जाता था, सांसद जाते थे, एवरीवन, कोई भी हो, किसी को नहीं हटाया जाता था, उनके साथ दो चार सुरक्षा कर्मी आगे पीछे चलते थे, चलते और निकल जाते थे। आप नमस्कार करोगे जवाब देते थे, कभी आप सवाल करोगे कभी कोई जवाब भी देते थे। अब वो सारी व्यवस्थाएं खत्म कर दी है। मीडिया का सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है और आज वो अचानक से बहुत बड़ा सवाल बन गया है और ये लोकसभा अध्यक्ष को ही परेशान करेगा और मोदी जी को ही परेशान करेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, लोकसभा अध्यक्ष को परेशान इतना कर गया ये सवाल कि लोकसभा अध्यक्ष ने बाद में मीटिंग बुलाई जैसा आप बता रहे हैं और उसके बाद फिर पुरानी व्यवस्था को उन्होंने फिर से जारी रखने का फरमान जारी कर दिया है। और ये खबर उसके बाद का, राहुल गांधी की मुलाकात मीडिया से उसके बाद की खबर है और डेवलपमेंट है कह सकते हैं। लेकिन जो कुछ सदन के अंदर हुआ मीडिया से इतर उस पर आते हैं और उसमें ये दो ऐलान राहुल गांधी का और ये कहते हुए कि इसी सदन से इंडिया गठबंधन एमएसपी के लिए लीगल गारंटी और उसके अलावा जाति आधारित जनगणना, ये दोनों कर दिखाएगा और करके दिखाएगा ये कहना कितना परेशान कर सकता है सत्ता पक्ष को। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपके पास आना चाहता हूं, जरा आपसे समझूं, क्या राहुल गांधी के इस भाषण को किस हिसाब से आप देखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन दोनों घोषणाओं का कितना असर सत्ता पक्ष पे हो सकता है और देश की जनता और खासकर कांग्रेस के वोटर्स या जो वोटर फ्लोटिंग वोटर्स हैं उन पे कितना असर पड़ सकता है? जी राजीव जी, देखिए क्रिकेट की भाषा में अभी शकील साहब ने कहा, राहुल गांधी ने हर दिशा में शॉट मारे, चारों तरफ वे बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी को आगे बढ़ाते हुए अगर हम ये कहें कि राहुल गांधी ने सदन का जब सत्र शुरू हुआ था, उद्घाटन सत्र में जो भाषण दिया था, उसे ये मान लीजिए कि किसी बल्लेबाज के पहले मैच के शतक के समान उसे गिना जा सकता है। लेकिन आमतौर पर होता यह कि जब पहली बार पहली ही पारी में कोई व्यक्ति सेंचुरी लगा दे तो उसके ऊपर एक मानसिक दबाव हो जाता है कि अगले मैच में वो कैसा कर दिखाएगा। शायद शकील साहब ने इस बारे में ट्विटर पर कुछ लिखा भी है। राहुल गांधी अब उस नैतिक दबाव से मुक्त हो चुके हैं कि अब अगले हर सत्र में उनसे ये उम्मीद की जाए कि वे धुआंधार बल्लेबाजी करेंगे, हर बार सत्ता पक्ष को निरुत्तर करेंगे। इस परीक्षा से वे खुद को मुक्त कर चुके हैं। हमें आप जरूर उम्मीद की नजरों से देखते हैं, देश में तमाम सारे लोग इस नजर से देखते हैं कि राहुल गांधी ने पहला भाषण को अच्छा दिया था, अगली बार देखें क्या करते हैं। लेकिन अगली बार वे क्या करते हैं इसकी अनिश्चितता खत्म हो गई है, क्योंकि वो मुद्दों पर बात करते हैं। एक बड़े महत्वपूर्ण जो परिवर्तन की रेखा दिखाई दे रही है, उसकी छाया राहुल गांधी के व्यक्तित्व पर दिखाई दे रही है, वो है उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रत्युत्पन्न मति। पिछले सत्र में भी जिस कमजोर बॉल पर नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर कह दिया कि ये हिंदू धर्म को हिंसक बता रहे हैं, राहुल गांधी अगर वे 30 सेकंड चूक जाते तो जिंदगी भर इस आरोप से कांग्रेस और राहुल गांधी मुक्त नहीं हो पाते कि उन्होंने पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहा। लेकिन राहुल गांधी ने 10वें सेकंड में वे तीन ऐतिहासिक वाक्य बोल दिए कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी नहीं है, आरएसएस जी। आज भी हमने उसका एक नजारा देखा, उन्होंने बेचारे शब्द के बाद
जिस तरह पलट कर कहा नॉन बेचारे नॉट बेचारे, और निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री को जैसे ही उन्होंने कहा कि हंसने की बात करें, तो वे लगातार अब ये साबित कर रहे हैं कि वे देश की मूलभूत समस्याओं को लेकर एक दृष्टि रखते हैं, उनका अपना एक विजन है और एक दूरगामी योजना भी है उनके पास। सत्ता पक्ष के पास सिवाय उनका मखौल उड़ाने की और कुछ है नहीं। इसलिए अब वे न तो सत्ता पक्ष के मखौल से घबराते हैं न विचलित होते हैं, बल्कि तुरशी बतुरशी तुरंत के तुरंत जवाब दे देते हैं। आज भी सदन में राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए, और खास तौर से जो आपने प्रभाव की बात की मतदाताओं पर, वोटर्स पर, कांग्रेस के अपने समर्थकों पर क्या असर होगा, तो बड़ी बात उन्होंने फिर से दोहराई। एमएसपी की गारंटी इसी सदन से घोषणा की जाएगी और जातिगत जनगणना, ये दोनों मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को हमेशा परेशान करते रहेंगे। तीन राज्यों में भी चुनाव होने हैं, हरियाणा एक किसान बहुल राज्य है, वहां इसकी आफत सामने खड़ी होगी। राहुल गांधी हर जगह जाकर हरियाणा में आम सभाओं में गारंटी दें, बीजेपी इसका जवाब नहीं दे पाती है। जातिगत जनगणना उन्हें बिहार तक परेशान करेगी, क्योंकि वहां तो नीतीश कुमार उनके सहयोगी आज की तारीख में, वो तो देश का पहला राज्य था बिहार जिसने जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए थे। राहुल गांधी समाज के और देश के सामने मौजूद सारे सवालों को लेकर आ रहे, बीजेपी नरेंद्र मोदी निरुत्तर है। नरेंद्र मोदी उनका सामना करने के लिए सदन में नहीं होते, हो सकता है अपने कक्ष में बैठ के सुनते रहते हो भाषण, या उनका जो थिंक टैंक है उनके भाषण तैयार करने वाली टीम है वो फिर इसी तरह के कुछ जुमले लेकर आ रही होगी कि बच्चा बालक बुद्धि है, स्कूली बच्चों की कहानियां लिख रही होगी। इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री क्या जवाब दे। तीसरी बात, राहुल गांधी प्रतीकों के साथ अच्छा खेल रहे, वे अच्छी तरह जानते हैं कि भारत का धर्म भीरू समाज धर्म और हमारे आध्यात्मिक प्रतीकों अवतारों देवी देवताओं के विचार से अलग नहीं किया जा सकता। तो अब उन्होंने उन्हीं औजारों से खेलना शुरू कर दिया है कि अब आप जिस पिच पर खेल रहे थे वैसी गेंद लीजिए, धर्म के आध्यात्म के प्रतीकों का इस्तेमाल शुरू करके अब शंकर जी को लेकर, भगवान शिव को लेकर। और सही कहा शकील जी ने कि इससे पहले चक्रव्यूह की पद्मव्यूह की ऐसी व्याख्या हमारा आपने भी नहीं सुनी देखी थी जैसी आज राहुल गांधी ने की है। अंतिम बात यह कि प्रतीक के रूप में उन्होंने A1 A2 जिनका नाम दे दिया, अब अगले कई वर्षों तक चाहे वो गणित की कक्षा हो चाहे और कोई ऐसी कक्षा हो राजनीति विज्ञान की, उसमें A1 A2 प्रतीक हो जाएंगे देश के दो धन्ना सेठों के, अब नाम लेने की भी जरूरत नहीं हो। तो राहुल गांधी ने प्रतीकों की लड़ाई में भी बढ़त ले ली है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह उनके ऊपर नाम भरने की कोशिश की, हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, अब राहुल गांधी उससे ज्यादा माकूल और कारगर नामकरण कर रहे हैं। अब A1 A2 का कोई मुकाबला नहीं। इसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि कोई बहुत अपमानजनक शब्द है, एक गलती है, व्याख्या कर दी है, प्रतीक चुन दिए, प्रतीक गढ़ दिए। आने वाले दिनों में राजीव रंजन भी अगले डिबेट में A1 A2 की बात करेंगे, हो सकता है अडानी अंबानी का नाम आप भी ना ले, अभी से शुरुआत भी नहीं लोगे। हमने तो और हमारे दर्शक, हमारे हृदय, हमारे देश के लोग इतने जागरूक हैं कि अब गांव गांव तक किसी को बताना नहीं पड़ेगा A1 A2 क्या है। तो मैं समझता हूं ये जो परसेप्शन की लड़ाई है उसमें राहुल गांधी हर सत्र में बढ़त लेते चले जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी हर दिन के साथ एक एक पायदान नीचे उतर रहे हैं। ये जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, जरा जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, A1 A2 के साथ साथ इस छह चक्रव्यूह के जो लोग हैं उसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोभाल, और जरा उस तस्वीर को ले आइए जरा, वो बहुत शानदार। देखिए जो मीडिया विंग है या राहुल गांधी का जो इनर विंग जो भी हो, जो तैयारियां कर रहा है वो बहुत शानदार तैयारियां कर रहा है, ये तो साफ दिख रहा है। और आज के बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। भाषण से तो यह साफ समझ में आता है कि बहुत दूर तक यहां रिसर्च करके राहुल गांधी ने इस भाषण को तैयार किया होगा, और उसमें ये तमाम छह लोगों को साथ में लाना और पुराने छह लोगों के साथ उसकी तुलना करना, आप देख लीजिए यहां A1 A2 तो है ही, उसके अलावा अजीत डोभाल हैं, अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं और मोहन भागवत हैं। ये छह लोग हैं
और इन छह की तुलना किनसे की गई और वहां चक्रव्यूह और उसके बाद शिव जी की बारात, इससे तुलना और यहां से देश की इकोनॉमी की बात करना, एक बड़े मतलब अगर देखा जाए तो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया है इन्होंने, और उसके बाद यहां पर अपनी बात रखना जिसमें निर्मला सीतारमण अपने सिर पे हाथ रखती हैं, मतलब मजबूर कर दिया राहुल गांधी ने निर्मला सीतारमण को कि वो सिर पे हाथ रखे। क्या कुछ कहेंगे इस भाषण पे? बहुत इंटेलिजेंट भाषण था और बीजेपी की कंस्टिट्यूएंसी पे भी हमला किया राहुल गांधी ने और बीजेपी की विचारधारा पे भी हमला किया और लोकसभा में उनके गणित पे भी हमला किया। उनके सहयोगियों को मजबूर कर देंगे सोचने को, तो कई दिशा कई तरीके से ये बहुत इंटेलिजेंट भाषण था, काफी चर्चा इस पे हो चुकी है। लेकिन जो जातिवाद जनगणना इंडिकेट किया राहुल गांधी ने कि वो एक कोई प्रस्ताव लेकर आएंगे और उस प्रस्ताव का विरोध करना बहुत मुश्किल होगा जेडीयू के लिए, बहुत मुश्किल होगा टीडीपी के लिए, और हो सकता है कि इसी मौजूदा सत्र के अंतिम पड़ाव में, अंतिम सप्ताह में राहुल गांधी किसी शुक्रवार को एमएसपी की लीगल गारंटी का प्राइवेट मेंबर बिल भी ले आए और ये भी सरकार के लिए मुसीबत बनेगा। दूसरी बात, जो जातिवार जनगणना पे उन्होंने जो व्याख्या दी है, देखिए ये बीजेपी की बहुत बड़ी कंस्टिट्यूएंसी पर उन्होंने हमला कर दिया और ये लगातार, ये कोई नई बात नहीं, वो लगातार इस नैरेटिव को बना के रखा हुआ, उन्होंने मेंटेन किया हुआ है इलेक्शन के समय भी और बजट के समय भी। हालांकि ये चुनौती भी है उनके लिए भी, कभी वो सरकार में आएंगे तो वो कितना समावेशी ब्यूरोक्रेसी कर पाएंगे, लेकिन इस वक्त की जो ब्यूरोक्रेसी है और इस वक्त का जो मीडिया है, इस वक्त के जो 5% 6% लोग जो इस देश को चलाते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे मीडिया हो, उसको उन्होंने बिल्कुल पर्दा उठा दिया उसके सामने से। तो ये मैं कहूंगा कि बहुत इंटेलिजेंट भाषण था। दूसरा, उन्होंने बड़ी कंस्टिट्यूएंसी पे हमला किया मोदी की, मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा गाना मोदी का गाता है। मिडिल क्लास ने ही बड़े पैमाने पर पार्टिसिपेट किया जब राहुल गांधी की इमेज को खराब करने का प्रोजेक्ट चल रहा था। सबसे ज्यादा मिडिल क्लास ही सोशल मीडिया पे इस पे हावी था और इस मिडिल क्लास को मोदी ने क्या दिया, पेट्रोलियम सब्सिडी मिडिल क्लास की खत्म कर दी। पेट्रोलियम सब्सिडी खत्म होने का सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो मिडिल क्लास को मिला, पेट्रोल डीजल एलपीजी के सिलेंडर पे। इस बजट में भी मिडिल क्लास के ऊपर बड़ा हमला हुआ जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में उन्होंने इंडेक्सिंग को खत्म कर दिया प्रॉपर्टी से। ये मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा झटका, क्योंकि मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा वर्ग ये प्रॉपर्टी बेचने खरीदने और उसके गेम में था और उसके ऊपर बड़ा झटका किया है मिडिल क्लास। एजुकेशन महंगी हुई है जी, हेल्थ केयर महंगा हुआ, ये सारा कुछ, और अनएम्प्लॉयमेंट और पेपर लीक, चाहे वो यूजीसी हो चाहे वो नीट हो, ये मिडिल क्लास ही है इसके ऊपर हमला हो रहा है और इस मिडिल क्लास को ही आज राहुल गांधी ने टारगेट किया है कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से मिडिल क्लास के दुश्मन हो गए। इनकम टैक्स, पेंशन, आठवां वेतन आयोग, साफ साफ मना कर दिया कि हम नहीं लाएंगे जी। तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2 वेतन आयोग आए, ये सरकारी कर्मचारियों को सोचना चाहिए, और जब वेतन आयोग आता है तो उसका असर पेंशनधारियों में ही पड़ता है। तो
तो इस मिडिल क्लास का जो सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने किया है इतने दशकों में वो नरेंद्र मोदी सरकार का हुआ है, और सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी का ही बाजा ये मिडिल क्लास आज भी बजाता है, थाली बजाता है आज भी। उसको एक नसीहत जो है वो राहुल गांधी ने दी है, बहुत लंबे समय तक ये मजबूत ये चोट जो है वो नरेंद्र मोदी को महसूस होती रहेगी। राजीव जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, राहुल गांधी मिडिल क्लास पर अपनी बात रखते हुए, और एक बहुत ही मजेदार वाक्य तब हुआ जब राजनाथ सिंह खड़े हुए अग्निवीर के मामले पर उन्होंने जब बात रखी तो राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया कि आपने उस समय सच नहीं कहा था, उस समय आपने कंपनसेशन की बात की थी जबकि उनको इंश्योरेंस मिला है। और ये बात भी आज आधिकारिक तौर पर राहुल गांधी ने सदन के अंदर बोलकर ये बता दिया कि कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गलत बोला था सदन के अंदर। उस बाइट को भी थोड़ी देर में आपको आपके पास लेके आता हूं, जल्दी से सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं, पहले सुन ही लेते हैं राहुल गांधी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच जो बातचीत अग्निवीर के ऊपर, जरा उसको सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और कैसे राहुल गांधी अपनी बातों को इसी सदन में साबित करते हुए नजर आते हैं, क्यों राहुल गांधी का यह भाषण बहुत दिनों तक याद किया जाएगा, न सिर्फ याद किया जाएगा बल्कि बीजेपी को अंदर खाने बेचैन करने वाला यह भाषण है, जरा सुन लीजिए राहुल गांधी और राजनाथ सिंह, सुनिए। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैंने अग्निवीर की बात उठाई, सब पहले भी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि शहीद अग्निवीर परिवारों को कॉम्पनसेशन दिया गया है, और उन्होंने कहा हाउस में कहा कि 1 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन दिया गया है, मगर सर वो गलत था। सर उस शहीद परिवार को इंश्योरेंस दिया गया था, कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया था। सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर ये सच है सर, और सर भाषण के एकदम बाद सर कॉम्पनसेशन गया था सर, सर ये सच्चाई है सर, इसको कोई नकार नहीं सकता, ये सच्चाई है सर। सर तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, और चेहरा देखिए यहाँ ओम बिरला साहब का, बगल में शायद पानी नहीं रखा हुआ था। चलिए खैर, सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जरा समझना चाहता हूं राहुल गांधी के इस तेवर से किस तरह से बेचैन हो सकती है भाजपा, उनकी सरकार यानी एनडीए की सरकार। धन्यवाद राजीव जी। राहुल गांधी की आक्रामकता भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए बेचैनी का बहुत बड़ा कारण, और अगर इस आक्रामकता के साथ जो उनके तथ्य हैं वह और उस बेचैनी को बढ़ाते हैं। आज के भाषण में राहुल गांधी ने इस सरकार की नीतियों को एकदम तार तार कर दिया। जो सरकार लोगों के बीच में एक माहौल बनाने का प्रयास कर रही थी कि बजट के माध्यम से बहुत सारी चीजें बहुत सारे वर्गों के लोग को दिया गया है, उसको खारिज कर दिया। जो मिडिल क्लास के जो नुकसान हुए हैं, मिडिल क्लास की अनदेखी हुई है, उन बातों को उठाया गया। किसानों की बात कही, कोई ऐसा वर्ग नहीं था जिसको छोड़ा हो। और जब आप सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया राहुल गांधी ने, और उन सवालों का कोई जवाब नहीं है बीजेपी के पास, इसलिए आप देखिए कि पूरे भाषण के दौरान भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत प्रतिरोध नहीं कर पाए। किरण रिजिजू साहब से किस तरह का संघर्ष हो गया, किरण रिजिजू की किस का जवाब राहुल गांधी ने किस तरीके से दिया, और जब दोबारा खड़े हुए तो उनकी भाषा में एकदम शालीनता आ गई, जो आक्रामकता थी किरण रिजिजू की खत्म हो गई। सवाल यह है कि जब सरकार लोगों की अनदेखी करेगी, केवल गुमराह करने की बात करेगी, तो लोग कैसे स्वीकार कर लेंगे उसको। राहुल गांधी ने सभी चीजों का जो उन्होंने कहा कि एक एक चीज का विश्लेषण कर दिया, और जो बात आप याद कीजिए राहुल गांधी ने आज कितना शानदार बातें कही। आप इस एक पॉलिटिकल कार्ड किस तरह का है ये कि प्रधानमंत्री ने इस सत्र के शुरुआत के पहले दिन क्या कहा था बाहर खड़े होकर के, कि 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने खड़े होकर कहा कि चक्रव्यूह में घेर करके अभिमन्यु को मार दिया गया था, और वह चक्रव्यूह कैसा है, कमल के फूल की तरह से, इसकी व्याख्या की जाती है। जो एक राजनैतिक माहौल बनाने की कोशिश की थी राहुल गांधी ने, प्रधानमंत्री जी ने, उसका एक बहुत ही शानदार पॉलिटिकल कार्ड निकाल दिया, उसका बहुत ढंग से उसका जवाब भी दिया। कि और
उस चक्रव्यूह में उन्होंने किसानों को लाया, मध्यम वर्ग को ले आए, अग्निवीरों को ले आए कि किस तरह से इनकी हत्या की जा रही है, किस तरह से इनके हितों की अनदेखी की जा रही है। राहुल गांधी का सदन में खड़े होकर के यह कहना कि यही सदन जाति जनगणना का प्रस्ताव पास करेगा, भारतीय जनता पार्टी के पास बेचैनी का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को कार्पेट के नीचे दबाना चाहती है, किस पे चर्चा न होने का, और राहुल गांधी इस मुद्दे को हटने नहीं देना चाहते। राहुल गांधी ने यही बात की, फिर यह बात विवाद हो रही कि एमएसपी के कानून का बिल इसी सदन में इंडिया दल समूह पास करेगा। इस प्रश्न का भी जवाब बीजेपी के पास कुछ नहीं। अगर आप विपक्ष के नेता के द्वारा या अपने विरोधियों के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने में सक्षम नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके अंदर बेचैनी हो। जो दो बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के राहुल गांधी लगातार पिछले चुनाव से लगातार सक्रिय हैं, उनका कोई जवाब भारत ये सरकार दे नहीं पाई है। और स्वाभाविक सी बात है कि जब राहुल गांधी अपनी बातों पर टिके रहेंगे, अपनी बातों को कहते रहेंगे, और उदाहरण उन्होंने बात है उदाहरण सहित कहा, आप सोचिए कि वो जो अभी अपने सुल्तानपुर यात्रा के दौरान जिस जूता सिलने वाले व्यक्ति से मिले थे उसका भी उदाहरण दे दिया। क्या आप सोचिए किस तरह के लोग समाज में जी रहे हैं, क्या जवाब देंगे उसका? जो टैक्सेशन के लोग को लेकर के मध्यवर्गीय समाज पे हमला हो रहा है, उनके हितों की अनदेखी हो रही है, क्या देगी सरकार, उसका जवाब क्या दे देगी आप? ऐसा कोई विषय नहीं था जिस पर राहुल गांधी ने छोड़ा हो जो सीधे सीधे जनता को प्रभावित न करती। और भारतीय जनता पार्टी का जो एक माहौल बनाने की प्रक्रिया, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश रही है, उन सभी नैरेटिव्स को ध्वस्त किया। सवाल इस बात का है कि चाहे किसानों का मसला हो तो सरकार बोलती नहीं है, अपने किसानों के प्रतिनिधि मंडल को की अपनी मुलाकात का फिर उल्लेख सदन में कर दिया कि आप सदन किसानों को आने नहीं देते, क्या अध्यक्ष जी ने उसका समाधान दिया कि नहीं आप गलत तथ्य दे रहे हैं, तथ्य क्या था आप ही बता दीजिए कि हम अगर उनका स्वागत करने के लिए आप उसका स्पष्टीकरण क्या दे रहे हैं कि सदन के परिसर में अन्य कोई व्यक्ति बाइट नहीं दे सकता, क्या मतलब है इसका? उस अगर बाइट केवल उस सदन के भीतर कोई नहीं कर सकता, जा ही नहीं सकता, उस कैंपस में कौन किससे बात कर रहा? अगर कोई दर्शक दीर्घा से निकल रहा है और किसी पत्रकार ने उससे पूछ लिया कि आपको संसद भवन कैसा लगा तो बोलेगा नहीं, वो नहीं कहेगा कि हमको अच्छा लगा, बुरा लगा, बढ़िया लगा, क्या लगा, कैसा लगा। कोई दर्शक अपनी प्रतिक्रिया नहीं सकता, क्या दर्शकों की प्रतिक्रिया लोग लेते नहीं है? संसद परिसर में आने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों नेताओं अन्य लोगों से मिलने के लिए आने वाले जो लोग होते हैं वो अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते। एक ऐसी बात आप कहना चाहते हैं जिसका कोई जो तर्कसंगत नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि जो पहले होता नहीं रहा, सदन के भीतर कोई जा नहीं सकता संसद सदस्य के अलावा, और कोई न कोई जा सकता है न कोई गया है, वो बाहर निकल करके विपक्ष के नेता कमरे से बाहर निकल के कोई बात कर रहे हैं, उस परिसर में खड़ा होकर बात करना कोई आपत्तिजनक थोड़े है। तो जो बातें राहुल गांधी ने खड़ी की है, यह सवाल यह है कि इस सवालों का जवाब अब पता चलेगा कि जवाब देते समय प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री की उपस्थिति को लेकर कितना बड़ा सवाल पैदा किया कि सदन में आते ही नहीं है, और जब जब यह भी कह दिया आपने सत्ता पक्ष को संबोधित करते हुए कि मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं कि जब जब मैं बोलूंगा सदन में नहीं आएंगे, ये कितनी बड़ी टिप्पणी है। प्रधानमंत्री के बारे में कोई इस तरह से कह दे और सत्ता पक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया ना हो या तत्काल कोई प्रतिक्रिया ना हो, ये तो निश्चित रूप से आप जो बात कर रहे हैं ये सरकार के बैकफुट पे होने का परिचय है। राहुल गांधी का जो पब्लिक कनेक्ट बढ़ा है या उनके अपनी बातों में उनके भाषण में तर्क का मजबूत आधार बना है। उन्होंने लोगों के केवल कागजी बात करने या कमरे में बैठ करके किसी विषय का अध्ययन करके बोलने का ही तरीका नहीं डेवलप किया, लोगों से मिल करके जो उनके अनुभव मिले, जो उनको फीडबैक मिला है, उससे उन्होंने अपनी बात करनी शुरू की। और यह जो बातें हैं यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको पचा नहीं सकती, इसको छिपा नहीं सकती। मुद्दा यह है, मुद्दा कि आप अपनी बातों से, अपने मुद्दों से जनता से किस तरीके से जुड़ेगा। पत्रकारों की इस सीमा रही है जो आज दिखाई जाए, पत्रकार कहीं भी जा सकते थे, पिछले सदन में बाहर रहते थे, बाहर घूमते रहते थे, अब उनको इधर उधर जाने से कैसे रोक सकते हैं? और आज कोरोना के नाम पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे पत्रकारों पर, वो आज भी क्यों जारी है?
हर वर्ष हर सत्र के समय पास बनाने की क्या जरूरत है? उस संसद भवन में विभिन्न पार्टी के कार्यालय है, विपक्ष के नेता के कार्यालय है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता कार्यालय, उप नेता के कार्यालय है, उस पत्रकार विभिन्न जगहों पर जाते हैं तो रोकेंगे आप उनको। और दूसरी चीज कोई आवश्यक थोड़ा है कि जो किसी समाचार पत्र का प्रतिनिधि हो वो भी वही है, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं उनको भी जाने की छूट रही है। पिछले ही संसद भवन में आपने केंद्रीय भवन में सेंट्रल हॉल में लोगों को जाने से मना कर दिया। हमने देखा है कि सेंट्रल हॉल में लोग जाते थे, कई वरिष्ठ पत्रकारों के पास बनते थे जाकर के अलग अलग लोगों से बात करते हैं। आखिर अगर आप किसी से मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो आपके सूचना का आधार क्या होगा? कोई एक समस्या थोड़ी हुई है। अगर आप पत्रकार गैलरी में राज्यसभा के सदस्यों को सांसदों को बैठने की अनुमति देंगे तो ये कोई पत्रकारों की आजादी है? पत्रकारों को अपने काम करने की स्वतंत्रता है? दो कलम लेके नहीं जा सकते आप? पत्रकार एक कलम ले जाए, चार कलम लेके जाए, पर पत्रकारों के साथ ये समस्या हो गई। लोग अच्छा, हम अधिकतर पत्रकार दो कलम लेके जाते हैं जो जितने गंभीर हैं कि अगर पेन खराब हो गई, रिफिल खत्म हो गई, ऐसा तो होता नहीं, स्वाभाविक स्थिति ही होती है। हर व्यक्ति अपने घर से निकलते से पहले रिफिल तो नहीं चेक करता, इसमें रिफिल में स्याही बची है कि नहीं बची है, जिसे कल लिखता था वो उठा करके जेब में डाला चल दिया। तो एक वैकल्पिक भी कलम रख लेता था। और हमने इसका आप ही सोचिए कि कई ऐसे पत्रकार होते हैं वहां जिनकी मान लीजिए कलम नहीं है उनके पास या खराब हो गई, एक दूसरे को लोग सहयोग करते हैं, आप करेंगे साहब दो पेन लेके नहीं जा सकते। क्या दर्शाता है? क्या आप पत्रकारों को फैसिलिटेट कर रहे हैं? सूचनाओं के बिना निर्बाध निरंतरता को बनाए रखना चाहते हैं उसी गति को? इसका संकेत तो नहीं है? ये जो बैठने वाली जगह है ये कितनी बड़ी जगह है? वो कितने पत्रकार जाते हैं वहां लंबे समय तक चलती है, कम से मतलब इतनी बड़ी संख्या है। और उसके बाद पता ही चला पुराने संसद भवन में भी, पुराने संसद भवन में कम से कम तीन कक्ष तो थे ही, जहां पे जो शकील जास साहब ने बताया आज नए भवन में वो भी नहीं है, कोई बैठे किसी के पास कोई जगह नहीं है। और बनाने के नाम पर आपने उस परिसर से इन पत्रकारों के कमरे संसद भवन के अंदर थे, और वहां पे मैंने एक से बड़े बड़े नेताओं को हमने देखा है इन पीटीआई के ऑफिस में, यूएनआई के दफ्तर में, दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर में बड़े नेता करके अपनी बात कर लेते थे, या कोई मिल गया वो कहां जाए उनके साथ बात करने के लिए, क्योंकि सांसदों का कोई कमरा तो अलग से ही नहीं, तो या तो कैंटीन में जाके बात करें या समाचार पत्रों के जो कक्ष है वहां के बात करें। तो लोग उन कक्षों में आकर के दूसरे समाचार पत्रों के लोग भी आकर के बात करते थे, वहां पर एक तरह की सहूलियत थी, आपने वो भी खत्म कर दिया। राहुल गांधी का उस जगह पर रुक करके बात करना यह बताता है कि आप अपने इर्द गिर्द हो रही घटनाओं के प्रति कितने संवेदनशील हैं और कितने सतर्क हैं। बिल्कुल, इस तरह से सतर्क व्यक्ति के लिए सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। राहुल गांधी संसद से भाग नहीं रहे हैं, संसद में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, सरकार को घेरने की उसके नीतियों कार्यक्रमों के आधार पर कोशिश कर रहे हैं, और यही सरकार की बेचैनी है। पहले आप पिछले दो 16वीं 17वीं संसद को याद कीजिए, आप सत्तारूढ़ दल के लोग किसी को बोलने नहीं देते थे, जो अपना नैरेटिव बनाना चाहते थे बना देते थे, आज वो दौर नहीं है। बिल्कुल, और राहुल गांधी की यह आक्रामकता, राहुल गांधी की यह दावेदारी, जनता से जुड़े हुए सवालों को खड़ा करना, उन सवालों की एक तक संगत व्याख्या करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि इन चीजों का जवाब सरकार के पास नहीं है। जी बिल्कुल, सरकार के पास इन बातों का, इन चीजों का जवाब नहीं है, और इसलिए और यहां से राहुल गांधी काफी आगे नजर आते हैं। जरा जल्दी से आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपके पास कैसे आप देखते हैं राहुल गांधी के आज के भाषण की हम चर्चा कर रहे हैं, और उसके साथ साथ राहुल गांधी की दो अहम घोषणाओं की चर्चा भी कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि इसी सदन में इंडिया गठबंधन ये पास करेगा, हो सकता है कि इंडिया गठबंधन की जब सरकार बने तब की बात कहें, या हो सकता है जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे थे वो भी हो सकता है, जो कुछ भी हो, लेकिन चाहे वो एमएसपी की लीगल गारंटी की बात हो या जाति आधारित जनगणना की बात हो, ये दोनों बातों को वहां सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में रखकर राहुल गांधी ने क्या कुछ किया है और कैसे परेशान करने वाले हैं राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन, जरा उसके बारे में चर्चा करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। आज राहुल गांधी ने पहले तो बात की चक्रव्यूह की और फिर बात की पद्मव्यूह की, तो पद्मव्यूह और चक्रव्यूह दोनों को उन्होंने रेखांकित किया।
मेरे साथी काफी बातें बताई चुके हैं कि किस तरह वो पत्रकारों के पिंजरे में गए, ट्वीट भी किए पत्रकारों ने, और पत्रकारों को पिंजरे से आजादी उन्होंने दिलवा दी। स्पीकर को आजाद करना पड़ा कि पत्रकारों को अब पिंजरे से आजाद किया जाता है। एक तरह से मीडिया को उन्होंने संदेश दे दिया जो बिस्मिल अजीमाबादी का शेर है, देखा न तुमने आंख उठा कर भी एक बार, गुजरे हजार बार तेरी गली से हम, लेकिन हम आपके सामने से गुजरे तो हमने आपको देख लिया और आपकी परेशानी देख ली, समझ ली और सदन में उठा दिया और समस्या का हल कर दिया। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो युवाओं को लेकर थी, अग्निवीर को लेकर जो उन्होंने कही वो बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बीमे के पैसे मिलते हैं तो वो कोई एक तो ये कि मुआवजा तो किसी की जिंदगी का हो नहीं सकता, कोई भी आदमी हो, फिर सैनिक की जिंदगी का तो कोई मुआवजा हो ही नहीं सकता चाहे वो कितने भी करोड़ रुपए, ये बात साफ है। लेकिन राहुल गांधी ने ये बात जोर देकर कही और प्रतिरक्षा मंत्री को बगले झांकनी पड़ी, उन्होंने कहा कि आप उनको पेंशन नहीं दे रहे हैं, पेंशन का एक रुपया नहीं मिल रहा है, यह बहुत बड़ी बात। तो किसान उनकी प्राथमिकता में रहे, जवान उनकी प्राथमिकता में रहे, और तीसरी बात उन्होंने मध्यम वर्ग को लेकर कही, इसके अलावा उन्होंने वर्कफोर्स को लेकर कहा कि मोची की बात की, बढ़ई की बात की, बढ़ई कहता है कि मैं उस शोरूम में नहीं जा सकता जहां मेरी बनाई हुई टेबल बेची जा रही है, मैं उसे नहीं देख सकता, तो इस बात का भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आज राहुल गांधी ने जिस तरह प्रत्युत्पन्न मती का परिचय दिया, A1 और A2 और नान बिचारे मीडिया वालों को लेकर जो बातें उन्होंने कही, इससे उन्होंने ये बात साबित कर दी कि प्रत्युत्पन्न मती में या हाजिर जवाबी में उनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो। माननीय निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री जी, जिस तरह से अपने हाव भाव दिखा रही थी उस पर भी उन्होंने टिप्पणी कर ही दी, बता दिया कि आपको ये नहीं करना चाहिए। और स्पीकर ने जिस तरह से आज राहुल गांधी की बातें मानी, पत्रकारों वाले मुद्दे पे, दूसरे मुद्दे पे, इससे साफ है कि राहुल गांधी अभी पूरे फॉर्म में है। आज सुबह तक ये चर्चा थी कि शायद राहुल गांधी किसी और को मौका दें बोलने के लिए, लेकिन उन्होंने अच्छा निर्णय किया कि खुद आए और एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने जो बातें कही वो इस देश के लोगों को के दिमाग में सीधे सीधे जाने वाली है। उन्होंने साफ 46 मिनट बोले, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो A1 और A2 है वे पूरे देश को, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, पूरे बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, उनके पास एयरपोर्ट है, टेलीकॉम है और अब रेलवे भी जा रही है, हिंदुस्तान के धन की मोनोपोली है, लेकिन हम सदन में जो लोग इस देश की इकोनॉमी को चलाते हैं उनके बारे में नहीं बोल सकते, तो मैं उन्हें A1 और A2 कहता हूं, आप समझ जाइए। कुल मिलाकर राहुल गांधी का भाषण ब्रिलियंट था और प्रभावशाली था, सभी वर्ग के लोगों के लिए एक आशा की किरण है, और पत्रकारों के को तो उन्होंने रास्ता दिखाई दिया है कि हम आपके साथ हैं, आप चाहे हमारे साथ हों या ना हों। और सदन में, लोकसभा में और राज्यसभा, संसद भवन में ही ये बात भी बड़ी अजीब लगती है कि पत्रकारों को हर सत्र के लिए अलग अलग ID बनवाना होते हैं। भाई उनकी ID तो एक होती ही है और वो अधिमान्य पत्रकार होते हैं, सदन के लिए स्पेशल उनका पास होता है, तो बड़ी ये मतलब ब्यूरोक्रेसी में उन्हें उलझाने की बात है। सदन नहीं चाहता, स्पीकर नहीं चाहते कि पत्रकार स्वच्छंद रूप से विचरण करें। राजीव जी, पत्रकारों के प्रवेश पत्र की बात क्या बताऊं, हम लोग खुद भुक्त भोगी हैं। मेरे पास पार्लियामेंट का परमानेंट पास है, लेकिन शकील जी बताएंगे कि जब पार्लियामेंट शुरू, मतलब जो सदन चल रहा है, तो मैं उस परमानेंट पास से नहीं जा सकता हूं, मुझे अलग से टेम्पररी पास बनवा करके पार्लियामेंट जाना होता है। तो ये समझ लीजिए ये नई व्यवस्था है, जहां भीड़ जबरदस्त होती है, और इस सेशन के लिए अभी तक मैंने पास नहीं बनवाया है, वो वाली पास। और आज भी सुबह सुबह शकील अख्तर जी ने फोन किया कि चल रहे हैं, मैं बोला आज रहने देते हैं तो आप जाइए, आज रहने देते हैं, क्योंकि लाइन लगी है पत्रकारों की, और मैं परमानेंट पास से नहीं जा सकता, आप समझ लीजिए ये स्थिति है पार्लियामेंट की। खैर, शकील जी इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे, फिर जल्दी से आता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी के पास। हम एक उदाहरण के द्वारा इसको बता देते हैं कि आपके पास पासपोर्ट है, सबके पास होगा, और वो पासपोर्ट जो है जब आप विदेश यात्रा करने जाते हैं तो उस वक्त जो है वो स्थगित कर दिया जाता है।
कहा जाता है कि आपको एक टेम्परेरी पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, तब आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। तो साहब इस पासपोर्ट का क्या मतलब है? नहीं, ये पासपोर्ट आप रख सकते हैं, आप पासपोर्ट धारक हैं, मगर इस पासपोर्ट में आप यात्रा नहीं कर सकते। तो वही हाल परमानेंट पास का है। ये जो परमानेंट पास है, साल भर के लिए बनता है, ये जनवरी बन जाता है, आजकल थोड़ा डिले चल रहा है, फरवरी बन जाता है वो जी। लेकिन जैसे ही सत्र शुरू होता है तो कहा जाता है कि आपका पास स्थगित हो गया, फिर क्या करें? फिर आपको एक टेम्परेरी पास बनवाना पड़ेगा, जिसके लिए बता ही रहे राजीव जी कि अभी तक राजीव जी जो है हिम्मत नहीं जुटा पा रहे भीड़ की वजह से। वाकई सही बात है, पूरा दिन लगेगा राजीव जी को वहां पे। तो उस भीड़ में पास बनवाना एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है। और ये जो एक दूसरी बात है, वो भी हम कह रहे हैं, सिलसिला जो बातचीत का शुरू हुआ है कि पत्रकारों के लिए आज, मतलब जब से नई संसद बनी है तब से काम करना इतना मुश्किल हो गया है वहां पे। ये पत्रकार आज भी जो ये वीडियो चल गया, अब बन गया, लेकिन वहां पत्रकारों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कोई एक नारा भी लगा सके, एक विरोध भी कर सके या कोई बोल भी सके। एक वीडियो ने थोड़ा माहौल बनाया, उसके बाद राहुल ने लोकसभा में बोल के माहौल बनाया। पत्रकार इतना डरा हुआ है इस वक्त कि वो कोई बोल भी नहीं पा रहा है बेचारा। कैसे डरा हुआ है वो हमने बता दिया, नौकरी से डरा हुआ है, वो नौकरी एक मिनट में जा रही है जी। अपने मालिक से डरा हुआ है, सरकार से डरा हुआ है। कोरोना के दौरान में सबको शायद मालूम होगा, सब पत्रकार है, सैकड़ों पत्रकारों की नौकरी गई है और 500 लोगों ने आत्महत्या की है। बहुत बुरी स्थिति में रहा है मीडिया इस दौरान, पिछले 5 साल से है, तो पत्रकार क्या करेगा बेचारा। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में आज राहुल ने जो उसको सहारा दिया है, राहुल जो उसके साथ खड़े हुए हैं, तो वाकई बहुत बड़ी बात है। और एक जो गलत मैसेज पूरी दुनिया में चला गया है, लेकिन उसके लिए हम बहुत दिनों से उनको समझा रहे थे, आज भी कहा कि देखिए आप इतना सप्रेस मत करिए प्रेस को, बहुत गलत हो जाएगा। और वो हो गया, पूरी दुनिया में चला गया कि हिंदुस्तान का मीडिया पिंजरे में बंद है। और कहां? संसद में। संसद जहां सबसे ज्यादा स्वतंत्रता होना चाहिए, होती थी पहले, खुली स्वतंत्रता थी, सब लोग जाते थे आते थे मिलते थे, और वहां पिंजरे में बंद है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, आता हूं शकील जी आपके पास। पहले अमलेंदु उपाध्याय जी, आज के राहुल के भाषण का बहुत ध्यान से आप सुन रहे थे, क्या कुछ देखते हैं आप, क्या कुछ यहां से निकल के आता है? क्या इसी सत्र में या इसी एनडीए की सरकार में एमएसपी और एमएसपी के लिए लीगल गारंटी और जाति आधारित जनगणना की बात आ सकती है? आपको शायद याद हो कि जब सरकार बनी बनी थी और उसका बजट सत्र भी जब ये शुरू हुआ था, तो मैंने एक टिप्पणी की थी कि अगर राहुल गांधी इसमें कोई संशोधन लेकर के आ जाते हैं, इंडिया गठबंधन कोई संशोधन लेकर के आता है कि बिहार को ज़्यादा धन दिया जाए या आंध्र प्रदेश को ज़्यादा धन दिया जाए, और इस तरीके के कोई प्रस्ताव आते हैं, कटौती प्रस्ताव या संशोधन प्रस्ताव आते हैं बजट पर, ऐसे समय में नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे? बहरहाल वो बात शायद मोदी जी ने सुनी, राहुल गांधी ने शायद नहीं सुनी हो। तो बजट में तो आंध्र प्रदेश और बिहार को दे दिया गया सब कुछ जो किया जा सकता था, लेकिन इसको मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने कायदे से ग्रहण कर लिया, और शायद ये बात जो है वो समझ में आ गई कि किस तरीके से काम किया जाना है, और इस दाव से भारतीय जनता पार्टी को चित्त किया जा सकता है। अब अगर मान लीजिए एमएसपी की लीगल गारंटी पर निजी बिल आ जाता है, या इंडिया पर गठबंधन की तरफ से कोई आ जाता है, जातिगत जनगणना पर आ जाता है, जिस जातिगत जनगणना के सवाल को लेकर के नीतीश कुमार की सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची हुई है, 65% जो उन्होंने आरक्षण कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने आज ही उस पर इसके करने से इनकार कर दिया, लेकिन सुनवाई करने की हामी भर दी है कि वो सुनवाई करेंगे, जो पटना हाईकोर्ट ने उसको खारिज किया है उस पर, तो ऐसे में नीतीश कुमार के सामने क्या चारा होगा कि क्या वो जातिगत जनगणना का विरोध करेंगे? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि नीतीश कुमार ने हमारे दबाव में जातिगत सर्वे करवाया, तो नीतीश कुमार इसको गलत साबित करने के लिए कि उनके दबाव में नहीं कराया, वो तो कहेंगे हमने खुद किया था जैसा उनका कहना है, तो ऐसे समय में नीतीश कुमार के सामने क्या चारा होगा? इसी तरीके से चंद्रबाबू नायडू के सामने क्या चारा होगा? जातिगत जनगणना और लीगल गारंटी एमएसपी की दोनों सवालों को लेकर। इसी के साथ साथ जो एनडीए में दल नहीं है और इंडिया में भी दल नहीं है, चाहे वो नवीन पटनायक का हो चाहे वो वाईआरसीपी हो, इस तरीके के जो दल है छोटे छोटे, उनके सामने क्या चारा होगा? वो किधर जाएंगे? तो ये संकट इस सरकार के लिए खड़ा होगा राजीव जी,
और ये बड़ी अच्छी रणनीति है गोगी इंडिया गठबंधन की, अगर वो अपना प्राइवेट बिल इस मामले पे लेकर के आते हैं। और जो इस समय सत्ता के समीकरण है उसमें इसके बिल के पास होने में मुझे नहीं लगता राजीव जी कोई संभावना रह जाएगी। 1970 के बाद से आज तक कोई प्राइवेट बिल पास नहीं हुआ राजीव जी, अगर मेरा याददाश्त ठीक साथ दे रही है तो। ये पहला अवसर भी हो सकता है कि 1970 के बाद पहला प्राइवेट बिल कोई पास हो, वो MSP पे हो, जातिगत जनगणना पर हो। तो ये एक तरीके से संविधान के अंदर प्रावधान है, उसका संविधान के तरीके से इस्तेमाल भी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को जो है सदन के अंदर पटकनी भी दी जाएगी। और राहुल गांधी ने आज जिन शब्दों में सरकार के ऊपर हमला किया, आप देखिए राजीव जी की राजनाथ सिंह जब बोलने के लिए खड़े हुए राहुल गांधी के बाद, जो बताने लगे कि साहब ये गलतफहमी फैलाई जा रही है अपने बिल को लेकर के, उसके बाद जब राहुल गांधी ने अपनी बात रखी फिर राजनाथ सिंह की हिम्मत नहीं हुई कि वो उठ करके खड़े होकर के ये कह सके कि नहीं मैंने जो कहा था वो कंपनसेशन ही था, वो इंश्योरेंस नहीं था। ये कहने की हिम्मत राजनाथ सिंह नहीं जुटा पाए, जबकि पिछली बार राजनाथ सिंह तो उठ के खड़े हुए थे और कहा था कि नेता प्रतिपक्ष जो है राहुल गांधी जो है वो गलत बयानी कर रहे हैं, ये उस समय कहा था। आज राजनाथ सिंह ये हिम्मत नहीं जुटा पाए, इसका मतलब राहुल गांधी पूरी तैयारी के साथ है जिस भी मसले को उठा रहे हैं पूरी तैयारी के साथ उठा रहे हैं और इसके जवाब जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं बन रहे हैं। दूसरी राजीव जी देखिए राहुल गांधी किस तरीके से अपने जाल में बीजेपी को फंसा रहे हैं और बीजेपी को जो है वहां बेनकाब करवा रहे हैं बीजेपी के लोगों से। किरण रिजिजू जब बोलने के लिए खड़े हुए और किरण रिजिजू बहुत ताव में आ गए कि साहब इन्होंने जो है अपमान किया है, तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब इनकी मजबूरी है कि इनको अडानी अंबानी को रिफाइन करना है। पहले कहा अंबानी अंबानी अडानी, उसके बाद फिर कहा A1A2, ये कहा कि सॉरी A1A2। तो उसके बाद राजीव जी आप देखिए खड़ो पानी जो था वो फिर गया किरण रिजिजू के ऊपर और ये समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी का बचाव कर रही है कि अंबानी अडानी का बचाव कर रही है, क्योंकि ताव जो आया था किरण रिजिजू को वो अंबानी अडानी का नाम लिए जाने पर आया था। तो राहुल गांधी ने ये भी साबित कर दिया कि अंबानी अडानी किस तरीके से उनका पहले नारा था हम दो हमारे दो, अभी भी भारतीय जनता पार्टी उस पर काम कर रही है और टेम्पू भवन के जो भारतीय जनता पार्टी क्या भेजते हैं अंबानी अडानी, ये राहुल गांधी ने साबित कर दिया। और दूसरा किरण रिजिजू ये भी कह गए कि चूंकि आपने प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दिया इसलिए हम आपके भाषण में व्यवधान पैदा कर रहे हैं, ये भी राहुल गांधी ने किरण रिजिजू के मुंह से उगलवा लिया। तो कुल मिला के राजीव जी कहा जाए राहुल गांधी पूरे आज ये जो सत्र हुआ है अभी तक का इसमें जबरदस्त तरीके से हावी रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जब आएंगे तो उनके ऊपर बहुत जबरदस्त दबाव होगा राजीव जी अगर वो बोलने के लिए। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री अब सदन में आने से बचना चाहेंगे, बजट भाषण का जवाब लोकसभा में खासतौर से वो चाहेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही दे, प्रधानमंत्री को इस पर कुछ ना बोलना पड़े, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन के पास ये अधिकार है कि वो बीच में उठ के खड़ा हो सकता है। ऐसे में अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के बीच में भी उठ के खड़े होते हैं तो प्रधानमंत्री के ऊपर न्यायालय का दैला पड़ सकता है और प्रधानमंत्री फिलहाल कोई ऐसी चीज बर्दाश्त करने के मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई स्थिति है राजीव जी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण ये आज का दिन रहा और उसमें ये भाषण बहुत इंपॉर्टेंट था। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपके पास आना चाहता हूं, जरा और इसकी तह में जाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी जो बातें रख रहे हैं, देखिए अग्निवीर का मसला हो, चाहे जाति आधारित जनगणना का मसला हो, किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, तमाम बातों को, नीट का मामला हो, सारी बातें यहां रखते हुए राहुल गांधी और इस बजट में क्या कुछ गड़बड़ियां हैं उसको यहां उजागर करते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो अभी तक राहुल गांधी जिस राह पे चलते आए हैं, खासकर भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा या न्याय की जो बात रही है उसको यहां रिफ्लेक्ट करने की कोशिश, लेकिन उसमें जोड़ते हुए चक्रव्यूह को, कमल चक्रव्यूह, पद्म चक्रव्यूह, जो सारी बातें आई हैं, जरा थोड़ा और अंदर चलते हैं और क्या लगता है आपको कि अब यहां से नरेंद्र मोदी की सरकार जो अभी तक 100 दिन वाला मामला भी पूरा नहीं हुआ है डॉक्टर साहब, अभी 100 दिन बाकी ही है और उससे पहले झटके पे झटका लगना क्या देखा जाए, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। इसी साल के अंत तक हम 4 राज्यों में चुनाव होते हुए भी देखेंगे, तो आगे की जो स्थिति थोड़ा उसका आकलन किया जाए कि आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है। उधर चले, हम सब कोई भविष्यवक्ता नहीं है लेकिन कम से कम विश्लेषक तो हैं ही, विश्लेषण कर सकते हैं आज की चीजों को रख के,
और इसलिए यहां पर जरा समझना जरूरी है, राहुल गांधी का तेवर साफ दिखाई दे रहा है कि वो किस तेवर से वो यहां पर बात कर रहे हैं, किस तेवर से अपनी बातों को रख रहे हैं, और पूरा का पूरा पुष्ट यहां पर पुष्टि करते हैं अपने बातों की, तह में जाते हैं। जरा अपनी बात रखिए इस पे। जी राजीव जी, पहले थोड़ा सा मीडिया की बातचीत किया था, हमारे चैनल पर डीवी लाइव पर प्रोग्राम हमारा लग गया है, लेकिन जो अपडेट शकील साहब ने दिया कि राहुल गांधी के आवाज उठाने के बाद स्पीकर महोदय ने वो पाबंदी हटा ली है, मकर द्वार तक लोग आ जाएंगे, पत्रकार साथी पहुंच सकते हैं। मैं उसमें सिर्फ इतना जोड़ना चाहता हूं कि ये थोड़ा जल्दी कार्रवाई कर दी लोकसभा अध्यक्ष ने, कम से कम आज शाम को 8-9 बजे एक आध भोपुर मीडिया पर ये प्रोग्राम तो आना चाहिए था किसी चौधरी साहब का कि कांच के पिंजरे में बंद रहने के फायदे कोई इतना तो गिना देता कि ये तो बहुत अच्छा कदम है, हम लोगों को कैद में रहना बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, बड़ी ठंडक लग रही है इस एयर कंडीशन कांच के पिंजरे में। क्योंकि ऐसा होता है कि ये जो मीडिया का एक बड़ा हिस्सा है ये सरकार की गोद में बैठे बैठे इतना आनंदित महसूस होने लगा है। वो जो शेर मैंने उसमें पढ़ा उसी को दोहरा देता हूं, मुझसे सयाद ने पूछा मर्जी क्या है, मुझसे सयाद ने पूछा मर्जी क्या है, कफस कह गया आसमां कहते कहते। आजादी मांगनी थी आसमान मांगना था कफस यानी पिंजरा कैद। तो ये जो मीडिया के लोग वहां बंधक थे उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो चाह रहे होंगे हाँ ये तो पाबंदी बहुत अच्छी, हम तो आगे से यही कैद रहा करेंगे, इसमें तो बड़ा आनंद आ रहा है। खैर कुल मिलाकर राहुल गांधी को हम लोग साधारण पत्रकार के तौर पर धन्यवाद दे सकते हैं कि उन्होंने आवाज उठाई और वहां तक जाने की फिर से ज्यादा मीडिया को मिल गई। अब राहुल गांधी के जो तेवर है आगे की जो लड़ाई है, राजीव जी हम लोग जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तब अक्सर हम सारे लोग विमर्श में ये कहा करते थे कि दो मोर्चे हैं राहुल गांधी के साथ, एक सड़क दूसरी संसद। सड़क की लड़ाई राहुल गांधी ने कमोबेश जीत ली, 10,000 किलोमीटर करीब करीब यात्राएं पैदल और चौपहिया वाहन से करके उन्होंने अपने आप को साबित कर, उसी सड़क की लड़ाई में वोटों की लड़ाई भी शामिल थी, तो वोट भी उन्होंने हासिल कर ली, अपनी पार्टी को दुगनी सीटों के साथ सदन के भीतर लेकर चले गए जी। दूसरा मोर्चा जो था वो संसद का मोर्चा था, फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर वे सरकार को किस तरह घेरते हैं इसकी अग्नि परीक्षा थी। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने अब वो चक्रव्यूह भी बेध लिया है, उन्होंने सत्ता की नाभि पर हमला करना सीख लिया, उन्हें पता है कि मर्म कहां है, तीर की नोक कहां चुभेगी तब पूरे सत्ता पक्ष को दर्द होगा, वो राहुल गांधी ने अब समझ लिया है। आज के पूरे दिन उन्होंने जितने हमले किए, चाहे वो केरल रिजिजू पर यह कहना कि ऊपर से आदेश है उन्हें डिफेंड तो करना ही है A1 A2 को, या वित्त मंत्री के साथ उनका ये संवाद कि ये हंसने की बात नहीं है, या राजनाथ सिंह को निरुत्तर कर देना, कुल मिलाकर वे देश की राजनीति के मर्म को भी समझ गए, सत्ता पक्ष की जो कमजोर कड़ी है कमजोर नस है उसे भी समझ गए। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से राजीव जी ये कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी या NDA सरकार या केंद्र सरकार की जो सबसे कमजोर कड़ी है उस सबसे कमजोर कड़ी का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कल तक उनके लिए एसेट था वो नाम आज की तारीख में बीजेपी के लिए लायबिलिटी बन गया है। नरेंद्र मोदी आज की तारीख में बीजेपी के लिए बोझ बन गए, बीजेपी के अंतःपुर में कितनी बेचैनी होगी इसकी हमारा अभी कल्पना नहीं कर पा रहे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने चुनाव में खासतौर से 10 साल में जो किया तो किया ही, लेकिन मात्र 1.5-2 महीने के चुनाव में उन्होंने जो बड़बोलेपन की पराकाष्ठा तक स्वयं को अवतारी घोषित करने तक जिस तरह की बातें की हैं वो अब उन पर भारी पड़ रही। और राहुल गांधी हर मौके पर सदन से लेकर सड़क तक उसका फायदा उठा रहे, उसी पर वे निशाना साध रहे, उन्हें राजनाथ सिंह से वास्ता नहीं, राजनाथ सिंह को तो संरक्षण देते दिखाई, कई बार जैसे अहमदाबाद में उन्होंने कह दिया राजनाथ सिंह भी नहीं बोल पाते, यानी उनके पक्ष में खड़े हुए दिखाई, वे सीधा हमला उस प्रतीक पर कर रहे हैं, उस आइकॉन पर कर रहे हैं जिसके भरोसे पर भारतीय जनता पार्टी तरक्की करते हुए इस शिखर तक पहुंची है।
उस आधार भूमि को ढहाने की तैयारी में राहुल गांधी हैं, नींव के उस पत्थर को खिसकाने में लगे हुए हैं जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कितने सफल होंगे हम नहीं जानते, आपका ठीक का हम लोग भविष्य रखता नहीं है, लेकिन एक मामूली खबरनवीस और विश्लेषक होने के नाते हम इतना तो देख पा रहे हैं कि बीजेपी को सूझ नहीं रहा कि राहुल गांधी से इस वक्त कैसे पार पाया जाए। अभी संसद के सत्र में कुछ दिन और बाकी है, तो अगले हर दिन हमें देखना होगा प्रधानमंत्री इसका क्या जवाब देते हैं सदन में। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री के बोलने का इंतजार है, क्या बोलेंगे भी वो या सिर्फ निर्मला सीतारमण अपनी बात रखकर इस सदन का इस सत्र का समापन हो जाएगा, ये भी देखा जाएगा। क्या नरेंद्र मोदी बोलने आएंगे, ये भी सुना जा रहा है कि शायद ना भी आए बोलने। प्रशांत टंडन जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं, आप मौसम की बात, मौसम की भविष्यवाणी खूब करते रहे पहले, आजकल नहीं कर रहे हैं, क्या मौसम कह रहा है? चुनाव से पहले तो खूब कह रहे थे आप जी। मौसम तो बदल रहा है और मैं मौसम की बात पे आऊंगा, लेकिन पहले जरा ये बेचारे पत्रकार, तो देखिए जिस गोदी मीडिया ने कोई 12 13 15 साल से राहुल गांधी की इमेज को खराब करने का काम किया, आज भी करता है, इनके पत्रकार या इनके शोज जब भी राहुल गांधी के बारे में बात करते हैं तो बहुत अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लगभग खिल्ली उड़ाते हैं आज भी। और उसी राहुल गांधी ने जब इनको प्रलय बंद कर दिया गया तो संसद के अंदर इनकी आवाज उठाई, उन बीजेपी के लोगों ने आवाज नहीं उठाई जो जिनका गुणगान ये लोग करते हैं और जिनके प्रवक्ता खुद बने हुए हैं ये तो। और यहां भी देखिए जो पत्रकार है, उन पत्रकारों ने अपनी जो गरिमा है, पत्रकारिता की अपनी गरिमा, उसको कम किया है। जब उसको कम करेंगे तो सरकार की हिम्मत पड़ेगी आपको पिंजरे बंद करने की, और कई तरीके के पिंजरे तैयार हो रहे हैं। एक पिंजरे का नाम है ब्रॉडकास्ट सर्विसेज बिल, जो यूट्यूब के चैनलों के लिए तैयार किया जा रहा है। तो लेकिन लड़ना होगा, बोलना होगा, पत्रकारिता का काम है सच बोलना, किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी की बात नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकारिता का धर्म है कि विपक्ष के साथ वो खड़ा हो। ये पहली बार हम देख रहे हैं अपने पत्रकारिता के जीवन में राजीव जी, और उसके पहले भी जब से अखबार पढ़ना चालू किया तब से, कि पत्रकार विपक्ष सवाल पूछता है, मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, खासकर टीवी मीडिया विपक्ष सवाल पूछता है, सरकार के साथ खड़ा, सरकार ने प्रलय बंद कर दिया तुमको, और जिसका तुम मजाक उड़ा रहे थे वो तुम्हारी आवाज उठा रहा है। शर्म से झुक जाना चाहिए इनका सर, इन लोगों का। दूसरी बात जो मौसम की बात आप कह रहे हैं, देखिए राहुल गांधी का मैंने कहा कि वो बीजेपी की विचारधारा और बीजेपी की कंस्टिट्यूएंसी दोनों पर हमला कर रहे हैं, और तीसरा हमला वो एक और कर रहे हैं, वो एक एक पर्त दर पर्त ब्रांड मोदी को खत्म कर रहे हैं। ब्रांड मोदी या मोदी अब बीजेपी पे बोझ बन जाएंगे, बन ही गए हैं, बहुत मुश्किल में है अब तो। मोहन भागवत भी मजबूर होके मजाक उड़ा रहे हैं उनका बिना नाम लिए। तो अब अगर ब्रांड मोदी ही कमजोर होगा तो फिर राजीव जी मौसम तो बदलेगा। और ये जो दो प्रस्ताव है कि मैंने पहले भी यहाँ पे कहा है आपकी डिबेट में कि सरकार का जीवन समर्थन देने वाली पार्टियां नहीं तय करती कब समर्थन वापस ले लेंगी, सरकार खुद तय करती है जी। और ये सरकार खुद तय कर रही है कि उसका जीवन 5 साल का नहीं है जी राजीव।
जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जो आखिरी सेंटेंस आपका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार खुद तय कर रही है कि उसका जीवन 5 साल का नहीं है। 5 साल आप जानते हैं दोस्तों कि 5 साल में चुनाव आता है, हर 5 साल में। अभी अभी ये चुनाव लोकसभा का बीता है और 5 साल यानी अगले 2029 में फिर से लोकसभा का चुनाव होगा, लेकिन क्या 2029 में होगा या उससे पहले ये सरकार गिर जाएगी, क्या मध्यावधि चुनाव होंगे, बहुत सारे सवाल अभी हैं सियासी गलियारों में और आपके हमारे जेहन में। और उन सबका भी जवाब ढूंढने की कोशिश राहुल गांधी के इस भाषण से क्या कुछ समझ में आ रहा है, क्या राहुल गांधी ब्रांड मोदी को धीरे धीरे ध्वस्त कर रहे हैं। जरा सुनील शुक्ला जी आपसे समझो। राजीव जी मौसम का हाल चाल आप पूछ रहे थे प्रशांत जी से, जी आप अभिषेक बनर्जी का भाषण आप भूल गए। उन्होंने जो घोषणा कर रखी है कि पेटी बांध लीजिए मौसम बदलने वाला है, जी सार्वजनिक घोषणा है, संसद के भीतर है। अब उससे सरकार ने भी अभी तक इनकार नहीं किया, मौसम विज्ञान मौसम विभाग ने भी इससे इनकार नहीं किया। मौसम को जो अन्य जानकार होते हैं जो भारतीय शैली में जो जिस जो व्याख्या करते रहते हैं घाक हमारे महाक घाक की तरह से, उन्होंने भी उसका खंडन नहीं किया है। तो मौसम तो साफ है और यह मौसम अनायास नहीं है, बरसात के दिन में पानी बरसना ही बरसना है। और इस मौसम आप दिल्ली की में बेसमेंट में 3 बच्चों की दुखद मृत्यु के बाद आपको अंदाजा होना चाहिए कि सरकार कितनी लापरवाह है, कितने गैर जिम्मेदार है और अपनी जिम्मेदारियों से किस तरह से भाग रही है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से सरकार के ऊपर हमला किया, पॉइंट ऐसा नहीं कि केवल लफाजी की, और इस भाषण का कोई जवाब सरकार के पास नहीं। सवाल इस बात का है कि पत्रकारों की आप बात कीजिए, निश्चित रूप से संसद के भीतर जो व्यवस्था होती है वो लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था, लेकिन क्या लोकसभा के अध्यक्ष की व्यवस्था में संशोधन के लिए, परिवर्तन के लिए, पत्रकारों की सुविधा के लिए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या उनको लोकसभा अध्यक्ष से बात नहीं करनी चाहिए? भारत सरकार को क्या लोकसभा अध्यक्ष से बात नहीं करनी चाहिए? निश्चित रूप से लोकसभा का अध्यक्ष भारत सरकार के अंग नहीं है, उपसभापति राज्यसभा के भारत सरकार के अंग नहीं है, लेकिन इस देश की जनता के हितों की देखरेख की जिम्मेदारी इस देश की सरकार की है, पत्रकार उसमें से अंग है। क्या सरकार ने कभी भी अपने स्तर पर यह पहल की कि लोकसभा अध्यक्ष से बात करें कि जो व्यवस्था की गई है वह व्यवस्था पत्रकारों के लिए उचित है अनुचित है? आज स्थिति यह हो गई है कि पत्रकारों के दुखद देहावसान पर केंद्रीय सूचना मंत्री के शोक संदेश तक नहीं आते। मैंने पिछले कई समय से इसको नहीं पढ़ा, कहीं पहले आते थे बाकायदे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो उसको रिलीज करता था, अखबारों में छपते थे, मैंने नहीं देखा। अभी मैं उनको देखता था संसद में, कई बार देखा बाहर में, देखता था सीताराम तिवारी जी, उनके हाल की डेथ हुई है, कोई मैंने कहीं नहीं देखी, कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी। आप इतने संवेदनहीन होकर के कैसे ये सोचते हैं कि आप लोग कप्री हो जाएंगे और मौसम का असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा? दरअसल जहां आपके पास जब रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है तो छोटे छोटे विषाणु आपके लिए घातक हो जाते हैं, और स्थिति यही है। आपके पास आपकी क्षमता बढ़ती कैसे है जब आप अपने जिम्मेदारी के अनुकूल आपका आचरण होता, जो जिम्मेदारी आपको दी गई। क्या यह सरकार अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हुई नजर आ रही है? क्या यह सरकार जिस बात के लिए इसको जनादेश मिला है उस जनादेश को पूरा करती हुई नजर आ रही है? अगर आप किसानों की चिंता नहीं करेंगे, बेरोजगार युवाओं की चिंता नहीं करेंगे, खेत जोतते किसान की चिंता आप नहीं करेंगे, महिलाओं की आपके पास चिंता नहीं होगी, समाज का जो वृद्ध वर्ग है उसके सामाजिक सुरक्षा की आप चिंता नहीं करेंगे, तो क्या आपके पास ताकत आएगी? संभव है ये? राहुल गांधी ने इन सभी चीजों को बेनकाब कर दिया कि बड़ी बड़ी बात करने वाली यह सरकार किस तरीके से समाज के सभी वर्गों की उपेक्षा कर रही है। बजट आप लेकर के आते हैं तो केवल 2 लोगों के लिए आप लेके बजट आएंगे? दुनिया में कहीं इस तरह का बजट होता है क्या कि देश का आम नागरिक उद्योगपतियों की तुलना में ज्यादा टैक्स देगा? कहीं सुना है आपने, कहीं पढ़ा है? यह देश होकर इस देश के बजट में ही तो प्राविधान है कि आम आदमी से ज्यादा कर संग्रह होगा, कारपोरेट टैक्स कम आएगा। कौन इसके लिए क्या किसी को शोध करना है कि सरकार किसके पक्ष में खड़ी है? कारपोरेट के लिए अगर बजट नहीं है तो आम आदमी के लिए कैसे बजट हो सकता है? जी आप सोचिए कि
कमर्शियल गतिविधियों के लिए। आप बिजली का कनेक्शन लेते हैं तो अगर आप अपने घर के लिए लेंगे तो उसका उसके चार्जेज अलग होंगे, और व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए लेंगे तो उसके चार्जेज अलग होंगे। जो सरकार यह नियम बनाती है वही सरकार कारपोरेट से टैक्स सामान्य आदमी की तुलना में कम लेती है, कोई कैसे स्वीकार कर लेगा इसको, ये जनता के हित में है। राहुल गांधी का यह कहना कि जो विश्वकर्मा जी ये कहते हैं कि जिस मेज को हम बनाते हैं उस शोरूम में हम नहीं जा सकते, यह सामान्य बात है। सवाल है कि अगर आप क्यों स्थिति बन गई कि जिस विश्वकर्मा जी ने जिस मेज को तैयार किया उसकी कीमत तो नहीं निर्धारित कर सकते, वो उत्पादक करता है लेकिन उसकी कीमत तो नहीं तय करेगा, किसान अपना अनाज पैदा करेगा लेकिन उसकी कीमत तो नहीं तय कर सकता, और सरकार से कहेगा कि इसकी कीमत तय कर दीजिए तो सरकार कुछ कहेगी नहीं, उसको दुनिया भर के उसके ऊपर आरोप लगाएगी, उसको विवश करेगी कि आप साल भर तक आंदोलन कीजिए, सड़कों पे घूमिए। इस एक साल से अधिक समय तक किसानों को आंदोलन करने के लिए मजबूर करने वाली सरकार क्या संवेदनशील सरकार का कही जा सकती है, जिम्मेदार सरकार कही जा सकती है? और क्या इस तरह की स्थितियां पश्चिम का विक्षोभ नहीं पैदा करते, और यह विक्षोभ मौसम नहीं बदलता है जी, ऐसा मौसम बदलता है कि इसमें किसी का नियंत्रण नहीं होता, हालात आपने से बदल बना दिए हैं कि मौसम को बदलना ही बदला। पश्चिम में तो गुजरात है, मैं आपसे बात ही कर रहा हूं ना, पश्चिमी आप सोचिए अगर अगर आप अगर आप सोचिए कि अब क्यों क्या आप अभी जो आंकड़े आए हैं लोकसभा चुनाव के कि किन किन राज्यों में जो मतदान के फिगर्स हैं वह उनके साथ खिलवाड़ किया गया है, अभी तक तो कोई कंट्राडिक्शन उसका है नहीं, यही हालात तो विक्षोभ पैदा करते हैं जी। आप जनादेश के साथ मजाक करेंगे, जनादेश को कृत्रिम तरीके से बदलने का प्रयास करेंगे तो लोग स्वीकार कर लेंगे आप? सरकारों के पास ताकत इसीलिए होती है कि जनादेश से बनती है, अगर जनादेश में हेर फेर करके बनने वाली सरकार तोड़ फोड़ करके बनने वाली सरकारों के पास वो इकबाल नहीं होता, संभव नहीं है वो। जिस आप अगर आप सत्ता में हैं तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। विपक्ष के नेता ने इन सभी चीजों को लोगों के सामने रेसा रेसा साफ कर दिया। अगर गृहमंत्री अगर रक्षा मंत्री पर विपक्ष का नेता आरोप लगा दे कि आपने तथ्यों को सही तरीके से नहीं रखा और उसका काट आपके पास ना हो तो फिर बचता क्या आपके पास है? अगर आप सीधे आरोप लग रहा है कि आप सदन को गुमराह कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, और तत्काल आप उसका खंडन नहीं कर पाते, क्या बचाव के पास? और अगर आप खंडन नहीं कर पाएंगे, विपक्ष के आरोपों का जवाब नहीं दे पाएंगे तो बैकफुट पर नहीं होंगे तो कहां किस फुट पे हो गया, फ्रंट फुट पे चले आएंगे। फ्रंट फुट पे आप तभी आ सकते हैं जब लोगों के सरोकारों के साथ आप खड़े हो। और आइए पत्रकारों पर रोक क्यों है जी। क्या हर कोई भी चीज बिना अनायास होती है? क्यों रोक दिया? बिल्कुल, अगर पत्रकारों के सूचनाओं को ग्रहण करने के लिए एक बेरोटो निर्बाध प्रक्रिया के अंदर आप अनुमति नहीं देते हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? कुछ ना कुछ तो है जो पर्देदारी है, जिसकी पर्देदारी है तो क्यों पर्देदारी करना चाहते हैं आप? विपक्ष के नेता ने इस पर्देदारी को तार तार कर दिया। सबसे बड़ा मुद्दा यह सत्तारूढ़ दल के लिए। मेरा अपना मानना है कि मौसम बदलने के सभी कारण उपस्थित, अब इन कारणों का कितना और कब असर पड़ेगा केवल ये देखना है। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, फिर क्लोजिंग के लिए शकील अख्तर जी आपके पास आऊंगा, जरा आपसे भी समझूंगा मौसम कितना बदल चुका है और आज राहुल गांधी के भाषण के बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। शकील जी के पास आऊंगा लेकिन उनसे पहले डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, क्या कुछ आप देखते हैं और क्या आपको भी लगता है कि आने वाला जो समय है ये और कष्टकारक हो सकता है, कष्टदायी हो सकता है वर्तमान जो सत्ता पक्ष है उसके लिए? राजीव जी, दो बातें कहनी है। दूसरी बात एक छोटा सा किस्सा है वो बाद में, पर पहले प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक, दो दिन बैठक चली, उस बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्रियों को जो निर्देश दिया वो बड़ा चकित करने वाला था। उन्होंने कहा कि हमारी महान योजनाओं की जानकारी जनता तक नहीं पहुंचती, आप उसके लिए प्रयत्न करिए। और लगभग पूरा सत्र इस बात पे केंद्रित था कि हम जो योजनाएं बना रहे हैं, हम जो भलाई के काम कर रहे हैं, सरकार का कहना है, मोदी जी का कहना है, उसे जनता तक पहुंचाइए। आप देखिए बीजेपी का हर नेता, मंत्री, संगठन का व्यक्ति एक ही काम करता है कि जो मोदी जी ने ट्वीट किया उसको रिट्वीट करना, यही उनका काम बचा। तो जो बातें राहुल गांधी ने आज कही उसके बारे में प्रधानमंत्री ने अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से
बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कुछ नहीं कहा कि एमएसपी के बारे में आप क्या कर सकते हैं, गरीब की दशा कैसे सुधरेगी इस बारे में कुछ नहीं कहा, पिछले दलितों के उत्थान के लिए काम करिए यह बात उन्होंने नहीं कही, मिडिल क्लास के लोगों की पीठ और छाती पर छुरी ना चले ऐसा काम करिए ये प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा, जनता की भागीदारी के बारे में कुछ नहीं कहा और वर्कफोर्स की ईमानदारी उनके फायदे के बारे में कोई बात नहीं की। मतलब प्रधानमंत्री जी को चिंता ले देकर एक ही चीज की है कि हमारा प्रचार हो जी। तो प्रचार पर इतना केंद्रित होना प्रधानमंत्री जी का, मुझे लगता है कि जब पूरी सरकार ही है तो प्रचार की जरूरत उन्हें नहीं होनी चाहिए। कमियां पूछते हो कि हमारी क्या कमियां हैं, हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री आप बताइए हम क्या काम करें, तो उन्होंने नहीं किया। दूसरा किस्सा बजट को लेकर है। मैं उन दिनों मुंबई में एक अखबार में रिपोर्टर था तो मेरे संपादक ने मुझे कहा कि बजट आया है और बजट पर आप जाइए, कवि नागार्जुन जी मुंबई में आए हुए तो आप उनकी प्रतिक्रिया ले आइए और ये उनका पता है वहां रुके हुए। तो मैंने संपादक जी से कहा कि साहब बजट पे प्रतिक्रिया तो आप किसी आरबीआई के व्यक्ति के लीजिए, अर्थशास्त्री के लीजिए, उद्योगपति के लीजिए, नागार्जुन जी बजट के बारे में क्या जाने चाहेंगे। तो मुझे संपादक जी ने कहा कि संपादक मैं हूं या आप हूं, आप नहीं है मैं हूं, तो मैंने जो कहा है वो काम करिए। मैं नागार्जुन जी के पास गया, बजट की प्रतिक्रिया, बजट पर प्रतिक्रिया उनसे पूछी, तो नागार्जुन जी ने जो बात कही थी वो मेरे जहन में अब तक है। उन्होंने कहा था देखिए बजट बजट तो मैंने पढ़ा नहीं है ना मैंने देखा है, क्योंकि तब तो बजट टीवी थे नहीं, प्राइवेट चैनल ना, मैंने सुना है बजट के बारे में, लेकिन एक बात सुनिए, अगर इस बजट से उद्योगपति खुश है तो जनता के लिए यह बजट बुरा है, और अगर इस बजट से उद्योगपति दुखी है तो समझ लीजिए कि आम जनता के लिए यह बजट बहुत अच्छा है। तो मुझे लगा कि अगर इस बजट से उद्योगपति खुश है तो यह बजट कितना अच्छा है जनता तय कर ले, और इस बजट से अगर उद्योगपति दुखी है तो निश्चित ही बजट जनता के पक्ष में होगा। ये एक मोटी अवधारणा है जो मेरे दिमाग के जाले साफ कर दिए कवि वर्ग ने, वो मेरे दिमाग में अब तक रज बस गई है, तो मैं उसी बात को कह के अपनी बात खत्म करता हूं। जी बिल्कुल, बाबा नागार्जुन ने बिल्कुल सही बात कही थी और वो आज भी यहाँ लागू तो है ही। और आपसे पहले सुनील शुक्ला जी भी वही बात कह रहे थे कि कैसे ये बजट जो है वो A1 A2 के फायदे के लिए है और कैसे ये बजट आम जनता के लिए नहीं है। शकील अख्तर जी, जरा क्लोजिंग आपसे करना चाहता हूँ, और बहुत महत्वपूर्ण बात कि राहुल गांधी के भाषण के बाद से अब हालांकि सदन तो अभी चलना ही है, 12 अगस्त तक चलना है, लेकिन क्या कुछ प्रतिक्रियाएं और क्या आगे देखा जाए? देखिए, जो आपने अभी A1 और A2 की बात की और उन लोगों की बात की जो बजट से खुश है, बड़े कॉरपोरेट, तो हम एक छोटा सा आंकड़ा आपको बता दें जिसकी आज बड़ी चर्चा थी कि इस वक्त जो है देश में जो संपत्ति है उसका 40% हिस्सा जो है वो 1% भारतीयों के पास है। 1% भारतीय है जिनके पास देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा हो गया है। यह इतनी गंभीर बात है कि बाकी 80 करोड़ जनता 5 किलो मुफ्त अनाज पे गुजर कर रही है और 1% लोग जो है वो 40% हिस्सेदारी बना चुके हैं। पिछले एक साल में ही 41% उनकी संपत्ति बढ़ी है, पिछले एक साल में ही। तो आप समझ लीजिए कि बजट किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। और जो गरीबी रेखा है, जो गरीबी है, जो उसका इंडेक्स होता है, उसमें दुनिया में भारत का नंबर 142वें स्थान पर है। अंगोला जैसे देश जो है वो भारत से ऊपर है, 190 के करीब देशों का ये होता है इंडेक्स, उसमें भारत 142वें नंबर पर है। तो ये गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है पिछले 10 साल में, उधर अमीरी भी लगातार बढ़ती जा रही है, दोनों के बीच गैप भी बढ़ता जा रहा है। तो ये बजट किसके लिए है ये राहुल ने आज अच्छी तरह समझा दिया। दूसरी बात, मौसम बदलने की बात तो ऐसी है कि आज ऐसा मौसम बदला कि राहुल ने जो चुनौती आज मोदी जी को दी है वो मोदी जी ने कभी सुनी नहीं होगी। राहुल ने कहा कि मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आप आज भी मेरे भाषण के दौरान नहीं बैठे
और आगे भी कभी जब मैं भाषण दूंगा मैं सदन में बोलूंगा आप बैठ नहीं सकते, आप सच को सुन नहीं सकते। ये राहुल का कॉन्फिडेंस बोल रहा था, ये उनके सच का कॉन्फिडेंस बोल रहा था। और आज न मोदी जी थे न अमित शाह थे, राजनाथ सिंह जी थे खाली। और राजनाथ सिंह जी पे राहुल कोई ज्यादा अटैक करते नहीं है, न उन्होंने करा, उनका बचाव ही करते हैं वो। और आज की तारीख में राजनाथ सिंह का बचाव करना भी चाहिए। जो अग्निवीर वाली बात हुई, राहुल ने उसे बहुत ज्यादा अटैक नहीं किया राजनाथ सिंह जी पे, राजनाथ सिंह जी ने अपनी बात कहने की कोशिश की, राहुल ने सुन ली और उन्होंने अपनी बात अपना तथ्य सामने रख दिया कि ये जो पैसा आप बात कर रहे हैं वो कंपनसेट नहीं है, वो खाली इंश्योरेंस की रकम है। दूसरी बात जो राहुल ने आज जातिगत जनगणना पे कही है उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि देश का 95% आदमी इस जातिगत जनगणना को जाता है और इस 95% में गरीब सवर्ण भी है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है जी। सब जानना चाहते हैं कि हमारी भागीदारी कितनी है, हम कितनी संख्या में हैं। उन्होंने कहा कि कुछ भी लोग हैं जो नहीं जाते हैं, और उन्होंने विपक्ष से भी साफ कह दिया कि आप इससे डरते हो, आप इससे विपक्ष से नहीं सॉरी सत्ता पक्ष से, आप इससे डरते हो, आप इससे घबराते हो। लेकिन मैं जातिगत जनगणना की बात करूंगा, मैं MSP पे कानूनी गारंटी की बात करूंगा और दोनों को मैं इसी सदन में पास करवाऊंगा। इससे ज्यादा मौसम क्या बदलेगा? विपक्ष का नेता जो है सदन में जो अल्पमत में होता है, इसलिए विपक्ष में होता है, वो अपनी जो है प्रस्ताव पास कराने की बात कर रहा है जी। और राहुल गांधी ने जो आज भाषण दिया उसमें सत्ता पक्ष ने टोका टोकी जो की, लेकिन विपक्ष इतना मजबूत था कि सत्ता पक्ष को चेक कर नहीं पाया। ये बिल्कुल बराबरी का मुकाबला था। आज जो है विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पे हावी दिख रहा था, और इसकी वजह यह थी कि उनका जो कप्तान था वो खुद इतना फ्रंट फुट पे खेल रहा था, हाफ पिच पे जाके मार रहा था बाल को जी, क्रीज के बाहर तो निकल ही रहा था, हाफ पिच पे जाके खेल रहा था वो, तो इसलिए पूरा का पूरा विपक्ष चढ़ा हुआ था। और सत्ता पक्ष की तरफ से ये एक अच्छी बात नहीं है मोदी जी के लिए, अब कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो बचाव कर सके। पिछली बार भी हमने कहा भी था, लिखा भी था उसको, कि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण में बात हुई थी तो मोदी जी का बचाव करने के लिए सिर्फ एक मंत्री ने ठीक से काम किया था, वही ठीक से जवाब दे पाए थे, अमित शाह जी जी। बाकी 6-7 मंत्री बोले, हमारे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान बोले, किरण रिजू बोले, राजनाथ सिंह बोले, बहुत सारे लोग बोले, लेकिन कोई खुद मोदी जी बोले, खुद 2 बार तो मोदी जी बोले, प्रधानमंत्री बोले, लेकिन किसी के पास भी न कोई बचाव था, न कोई तर्क था, न कोई बात कहने के लिए थी। सिर्फ अमित शाह ने जरूर थोड़ी सी बात कहने की कोशिश की, लेकिन आज तो वो भी नहीं थे। इसका क्या मतलब है कि सत्ता पक्ष के पास मोदी जी का बचाव करने के लिए कोई भी नहीं है, और खुद मोदी जी जो है वो कर नहीं सकते। ये और एक बात है, वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री होते तो अपना बचाव खुद कर लेते, जरूरत नहीं थी किसी की, मोदी जी नहीं कर सकते। ये मोदी जी तो चलती माहौल के खेलने वाले बैट्समैन है, जब उनका वक्त अच्छा होगा तो वो दिखेंगे, लेकिन जो आज का वक्त चल रहा है, इस लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद मोदी जी का सूर्य ढलान पे है और राहुल का सूर्य चल रहा है, तो ऐसे में मोदी जी नहीं खेल सकते। तो आज की तारीख में मोदी जी के पास कोई भी आदमी नहीं है उनके बचाव के लिए, और राहुल खुद इतना अच्छा खेल रहे हैं कि उन्हें अभी किसी की सहायता की जरूरत नहीं है जी। बिल्कुल। इस बीच राहुल गांधी के भाषण के किन किन पार्ट्स को, किन किन शब्दों को एक्सपंज किया गया है, वो उसकी सूची आ गई है। 4 ही पन्ने आए हैं अभी तक, और जिसमें और हो सकता है आगे आए, मोहन भागवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी जी और अदानी जी के नाम को एक्सपंज कर दिया गया है, NSA के नाम को एक्सपंज कर दिया गया है उनके भाषण से। उनके भाषण से जब जहां जहां भी राहुल गांधी ने अदानी अंबानी, बाद में A1 A2 या A3 A4 बहुत मैं आप कह रहे थे और मैं इसको जरा देख रहा था क्योंकि अभी अभी आया शकील जी, और यहां पर
कहते हैं राहुल गांधी कि स्पीकर सर मैं आपके आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, तो स्पीकर सर कहते हैं कि आप मुझसे कुछ नहीं पूछ सकते, मुझसे सवाल नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि सॉरी सर, मैं सिर्फ 3 और 4 कह देता हूं, अदानी के लिए क्या कहूं, 3 और 4 कह देता हूं या 3 और 4 ठीक है। तो ये सब कुछ उसमें है, ये एक्सपंज नहीं हुआ है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। जहां जहां अंबानी अदानी का नाम है उसको हटाया गया है, लेकिन राहुल गांधी लिखते हैं, कहते हैं कि स्पीकर सर मैं समझता हूं कि मंत्री जी को अदानी जी, फिर बोलते हैं सॉरी, A1 और A2 की रक्षा करनी है। तो अदानी जी का नाम हटाया गया, एक्सपंज किया गया है, लेकिन A1 और A2 की रक्षा करनी है, नो प्रॉब्लम, ऊपर से ऑर्डर है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, फिर व्यवधान होता है, ये सारी चीजें आई हुई है। तो ये एक मजेदार वाक्या जहां राहुल गांधी A1 A2 और जो कहना चाहते थे राहुल गांधी, अब उनके पास भी एक शब्द है A1 और A2, ये कह सकते हैं, और इसके जरिए जैसा डॉक्टर राकेश पाठक जी शुरुआत में कह रहे थे, इसके जरिए अब राहुल गांधी अपनी बात जनता तक पहुंचा सकते हैं और उसको एक्सपंज करने की नौबत भी नहीं आएगी। देश दुनिया को अब पता है कि हु इज A1 और हु इज A2। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप सबका, शकील अख्तर जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी, प्रशांत टंडन जी, सुनील शुक्ला जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।